गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, समझदारी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन अक्सर ये सोचती हैं कि समझदारी से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार क्या है। जो तनख्वाह अम्मी आपने आपके हाथ पे ला के रखे या फिर आप खुद कमाती हो, उसको बहुत ही समझदारी से खर्च किया जाए। ज़रूरियात पूरी करने के बाद कुछ पैसे जमा भी कर लिए जाएँ, कमेटी डाल दी जाए, गुल्लक में डाल दिए जाएँ, बैंक में डाल दिए जाएँ, और इस तरह जमा कर करके फिर अपनी वो ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की नहीं होती लेकिन एक कोई स्पेशल चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए होती है उसके लिए आप जमा करते हैं। स्पेशल ओकेजन के लिए, बीमारी वगैरह के लिए जमा कर रहे होते हैं, और अक्सर आप सोचते हैं कि यार एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ले लूँ ताकि वो ताहयात आप काम आए, देर तक चले, उसकी वारंटी ज़रा लंबी हो। ये सोच के आप ब्रांडेड या ज़रा अच्छा पुख्ता ब्रांड चूज़ करते और फिर वो चीज़ें ख़रीदते, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि वो चीज़ जो आपने ख़रीदी होती है वो आपका साथ नहीं देती, और कभी कभार ऐसी सस्ती सी चीज़ें जो आपने ऐवें ही ख़रीद ली होती है या किसी ने आपको गिफ्ट दिया होता है और आप उसकी कारकर्दगी पे हैरान रह जाते हैं ना। हमेशा ऐसा होता है कि आप हैरान होते हैं कि मतलब कि ये तो इतनी सस्ती सी थी, कोई मैंने फुटपाथ से उठा के ख़रीदी थी, कोई ब्रांड भी नहीं मुझे पता लेकिन बड़ा अच्छा चल रही है। कभी कभार मेकअप में ऐसा होता है, कभी कभार किचन के अप्लाइंसेस हैं उसमें ऐसा होता है, कभी कभार कोई फर्नीचर होता है जो आपका साथ आहयात निभाता है, और कभी कभार आपकी सारी औलाद में से एक ऐसी औलाद होती है जब भी आपको उससे कोई उम्मीद ही नहीं होती। खोटा सिक्का है ये क्या करेगा ज़िंदगी में, ये क्या करेगी ज़िंदगी में, और आपके बुढ़ापे में एक्चुअली वही बच्चा आपके सबसे ज़्यादा काम आता है, आपकी मेडिकल, आपकी बाकी और ज़रूरियात को पूरा करने में। फिर आपको ये आप ये रियलाइज़ करते हैं कि ये वाली बात तो है ही गलत कि आप किसी को जज कर लें उसके डब्बे से जब तक आपको पता ना चले, जब तक वो आपके वक्त पर काम ना आए। मैं आपको ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रही हूँ, और वो ऐसी चीज़ें जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, मतलब वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या उनसे उम्मीद थी उतनी अरसे तक चलने की। आइए मैं आपको इस पैकेज में दिखाती हूँ। अक्सर घरों में बच्चों को इस बात की ताकीद की जाती है कि फजूल जलाए हुए बल्ब्स और लाइट्स को बंद किया जाए ताकि बिजली बचाई जा सके, लेकिन एक आदत बल्ब ऐसा भी है जो 120 सालों से मुसलसल जल रहा है, और ये अमेरिका के एक फायर ब्रिगेड ऑफिस की इमारत में तकरीबन एक सदी से लगा हुआ है। इस बल्ब को 1971 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। पता नहीं भाई ये तो कैसा माशाल्लाह बल्ब है। हमारे घर मेरे कमरे के जो लाइट्स है ना वो हर महीने फ्यूज हो जाती हैं, पता नहीं ऐसा क्या है वायरिंग में, वो सौदे में आती है समझे। मेरे मियाँ इतना मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रिशियन जो है ना उनका एक कमरा बना दो घर पे, कहीं एनेक्सी बना दो, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने तो हर महीने हर हफ्ते चक्कर लगाना होता है। आई डोंट नो ये कैसे चलती हैं देर पा। मैं अब आपको दिखा रही हूँ एक ऐसी गाड़ी जो पता नहीं ना जाने कितने सालों से रोड्स पे नज़र आ रही है, जर्मनी की रोड्स पे। वो कौन सी गाड़ी है जो इतनी पुरानी और अभी तक काम में है, करामद है? आइए चलकर देखते हैं। आजकल की गाड़ियों के मुकाबले में पुरानी गाड़ियों की क्वालिटी का जिक्र हर कोई करता है। एक गाड़ी ऐसी भी है जो 1894 से सही सलामत चल रही है। इस गाड़ी को बेंज मोटर कंपनी ने बनाया था। ये गाड़ी सिर्फ 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर चल सकती है, और इसमें दो गियर्स और दो ब्रेक्स मौजूद हैं। आप इस गाड़ी को कभी कभार जर्मनी की सड़कों पर भी देख सकते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग ना है ना। हमारी गाड़ी तो आए दिन मतलब आपको पता ही होगा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, गाड़ियां आए दिन मैकेनिक्स के पास,
लेकिन भाई क्या ख्याल रखें, ये मेंटेनेंस की भी बात है एक्चुअली। आप जितने प्यार से जिस चीज़ को रखते हैं वो उतनी ही जो है देर तक चलती है, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें इतनी कोई रफ टफ रखी जाती है मगर वो सिंसेरिटी से आपका साथ निभाती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा टीवी जो 85 साल पुराना है, सोच सकते हैं मतलब ज़रा सा वोल्टेज हाई आता है आपका टीवी गया है ना। आजकल की टीवियों का तो यही हाल है, चाहे आप कितनी भी स्मार्ट टीवी ले लें, कितनी भी ब्रांड के ले लें, मगर जो अब आपको बिजली ने धोखा दिया टीवी खलास। 85 साल तक ये टीवी कैसे चल गया ये ज़रा जानते हैं आप इकट्ठे मिलकर। दुनिया के सबसे पुराने चलते हुए टीवी का जिक्र किया जाए तो 85 साल पुराना टीवी एक तारीख का हिस्सा है। ये टीवी अपने वक्तों में इतना महंगा था कि एक आम आदमी की आधे साल की तनख्वाह के बराबर इसकी कीमत थी। उस वक्त इस टीवी पर दिन में सिर्फ 2 घंटे एक ही चैनल चलता था। इस टीवी की स्क्रीन 12 इंच लंबी है जिसे हाल ही में नीलामी के दौरान $5,000 में फरोख्त किया गया है। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये आम चीज़ों को रिश्तों से मिलाना, लेकिन अगर आप रोशनी डालें, बहुत सारे ऐसे आपके रिश्ते होते हैं, आपके दोस्त बहन भाई हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे ऐसे इमीडिएट रिश्ते होते हैं जो कभी कभार आपके साथ वफा नहीं करते, निभा नहीं करते, मगर एक रिश्ता ऐसा है जो आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि वो अपने आखिरी दम तक आपका साथ निभाता है, वो आपकी माँ का रिश्ता है जिसको आपसे कोई लालच नहीं होती, आपसे कोई एज सच एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अगर मैं इससे प्यार करूंगी तो ये मुझसे प्यार करेगी या करेगा। वो रिश्ता है माँ का। और ये एमी नहीं कहते कि माँ गले बच्चा पले, ये वाकई एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि बच्चे को पालने के लिए माँ अपने सारे नाज नखरे अपने सारे दर्द भूल जाती है और उसकी लिए उसकी ज़िंदगी को बनाने के लिए जद्दोजहद में लग जाती है, चाहे वो बच्चा छोटा हो, चाहे वो जवान हो जाए, चाहे उस बच्चे के बच्चे हो जाए, लेकिन माँ का प्यार कभी भी इतना सा भी कम नहीं होता, बल्कि इस वक्त के साथ और ज़्यादा वो फ़िक्रमंद और ज़्यादा ऐसी होती जाती है कि मैं बस अपने औलाद के लिए क्या करूँ, अब तो मैं चल भी नहीं सकती, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, तो क्या करूँ। तो उस वक्त वो दुआ के लिए जो हाथ उठाती है वो उन सब भाग दौड़ से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो दिल से दुआ जो निकलती है वो एक माँ के हाथों से ही निकलती है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, आज एक हमारी बहुत प्यारी सेलिब्रिटी और इन फैमिली वे हैं, उनके घर माशाल्लाह तीसरी औलाद आने वाली है, लेकिन 2 बच्चों के बाद जो तीसरी औलाद आ रही होती है ना, उस वक्त माँ अच्छी खासी पक्की माँ बन चुकी होती है, उसको शायद इतने मशवरों की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आसानियां पैदा होती जा रही हैं बहुत सारी रिसर्चेस की मदद से। आइए हम अपनी साथी को थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ एक माँ को ज़रा बकअप करने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का एक बहुत क्यूट और प्यारा सा शो है, एक खुशखबरी आने वाली है समरा अरसलान के घर में। हमने कहा कि इस खुशखबरी को मतलब खुशखबरी के हवाले से मुबारकबाद दें समरा को और साथ हेल्प भी करें भाई। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई अपने महके आई हुई हूँ, और वो जो एक तैयारियाँ और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना अनाउंसमेंट की, तो वो फिर ज़रूरी होता है आपके पास आना उसके लिए। अच्छा, तो अब हमें हमारे पास एक्सपर्ट्स तो हैं, डॉक्टर उम्मे राहील है, फरा है, डॉक्टर बल्कीस है, लेकिन साथ हमारे पास जो है ना वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देने वाली भी तो मैं मुनज्जा जो है माशाल्लाह खूबसूरत हमारी एक्ट्रेस, बहुत ही मामता से भरपूर इनका, मुझे तो बहुत मामा लगती है। हाँ वाकई मेरी आज इनसे पहली मुलाकात थी मेकअप रूम में, और इतना मजा आ रहा था इनसे बात करके जैसे पता नहीं कितने पुराने मिलने वाले हमें। तो यहाँ ये अपनी प्रैक्टिकल एडवाइजेस तुम्हें देंगी, याद है जरूर है, 2 बच्चों की मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने अपनी तीनों प्रेगनेंसीज बहुत सेलिब्रेट की है। रियली गुड। एक और मेरे पास
ये भी मशवरों को या तो जज करने आई है या कुछ मशवरे भी तुम्हें दे देगी, क्योंकि इसको बहुत सलीका शार है, इसको पता है। आज हम इज्दा बकास आज हम ये देखो इसने कितनी जल्दी अपना वजन कम किया भाई, ये भी टिप्स तुम्हें देगी ना सारी। ये जरूरी है ना, वजन कैसे कम करना है जल्द से जल्द। तो माशाल्लाह जो दो बड़े बच्चे हैं ठीक है, उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो ऐसा कहते हैं ना कि जब आपका नया मेहमान आने वाला तो जो पिछला वाला बच्चा है वो ज्यादा चिपक चिपक रहा होता है। अच्छा जो बेटा है वो थोड़ा सा कभी कभी अनॉय हो जाता है क्योंकि मैं उसको गोद में नहीं बिठा सकती। हाँ। साथ में अगर सोना होता है तो वो चिपक के पहले सोता था, अब थोड़ा सा डिस्टेंस रख रही होती हूँ। हाँ। तो वो उस पर थोड़ा सा इरिटेट होता है कि क्या मामा ये क्या मसला है, आप क्यों मुझे गोदी में नहीं ले रही है, मुझे बिठा क्यों नहीं रही अपने पास। अच्छा बेटी इतनी ज्यादा माशाल्लाह से एक्साइटेड और समझदार है ना, तो बड़ी आप ही बनेंगी ना वो तो। और उसका पता है क्या सीन है, उसने जो ना ट्यूटोरियल्स देखने शुरू कर दिए। अच्छा। कि न्यूबॉर्न बेबी को आपने कैसे नहलाना है, मालिश कैसे करनी है, आपने उसको चादर कैसे लपेटनी है, तो वो दिन रात वही देखती रहती है। यानी कार्टून्स वगैरह छोड़ के अब वो ये चीजें देख रही है। तुम्हारे जो पहली डिलीवरीज हैं दोनों माशाल्लाह तो वो नॉर्मल थी, बेटी नॉर्मल थी, बेटे ने बहुत तंग किया था, सिजेरियन था वो, सिजेरियन था वो। तो तुम्हें दोनों मैंने एक्सपीरियंस दोनों कर लिए, लेकिन फिर मैंने यही तय किया कि अब नेक्स्ट कभी भी होगा नॉर्मली जाना है। अच्छा वही वाली बात होती है, आप किस दर्द से गुजरी हैं, ये नॉर्मल के या सिजेरियन के? नहीं अल्लाह का शुक्र है मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल थे। अच्छा आपके तीन हैं? मैं समझी दो। अच्छा दो बेटे एक बेटी, दो बेटे एक बेटी। हाँ। दिमाग में जो है वो। हाँ। और कितना गैप है तीनों में? दो दो साल का तकरीबन। अच्छा दो दो साल का गैप। और अच्छा है ना एक ही हल्ले में आप निकल जाते हैं, बच्चे इकट्ठे बड़े हो जाते हैं। अच्छा नहीं नहीं डाइनिंग चेयर्स नहीं लेनी पड़ती, सेम वॉकर सेम बाउंसर बच्चे। हाँ वैसे ये तो है, हमारे बलाज के लिए हर चीज नई आई थी। मम्मी भी तो फिर वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर डायपर्स और ये वो सब कुछ करना, पॉटी ट्रेन करना। तो अच्छा फर्क है इन लोगों में, कितने दो दो साल? हाँ दो दो साल का फर्क है, तो उतने में आप भूलते भी नहीं, अगला कोर्स शुरू हो जाता है। ये बात तो आपने ठीक ही, क्योंकि पहले मेरे दोनों के अंदर सबने बोला कि बड़े ऊपर तले के हैं, कैसे मैनेज करूंगी, लेकिन इतना इजी हो गया ना दोनों को मैनेज करना कि हर चीज का मुझे पता था कि किस तरह से अब एक टैकल कर लिया है तो अब दूसरा कैसे करना है। कैसे करना है मिजना जो है ना वो ये समझेगी कि हमने उसको यहाँ कन्विंस करने के लिए बुलाया मिजना। जल्दी जल्दी मेकअप करके आइए, बच्चे छोटे बच्चे के साथ तो यही होता है कि वो उसको रखे। अच्छा मिर्जा तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, तुम्हारा नॉर्मल था सिजेरियन था? मैंने दोनों तकलीफें उठाई हैं उसके बाद सिजेरियन हुआ। मतलब डॉक्टर से पहले मैं इस जिद पे थी कि हम इसको नॉर्मल करेंगे। 18 आवर्स तक मैंने तमाम तरह के पेन तमाम खवातीन के साथ गुजारे। ओहो। फिर 18 आवर्स के बाद उन्होंने सुबह फैसला किया कि देखें बेबी के लिए प्रॉब्लम है तो आपको ऑपरेट करना। यार ये बड़ी तकलीफ मुझे लगता है मेरे दो दो हुए एक वक्त में ना। क्यों ये बड़ी तकलीफ थी? क्योंकि मेरी दोस्त के सिजेरियन हुए तो वो लिपस्टिक लगा के और बड़ी तैयार होकर ब्लो ड्राई करके गई थी और वैसे ही बाहर आई। कहीं मेरा तस्वीर मेरा खिंचने फूल तैयार मेकअप पिकअप करके गई, नेल पॉलिश लगी हुई थी और वो सुकून से। तो मैं मतलब ये अगर या तो सिजेरियन है तो ऐसे हो ना, अगर ये तो डबल डबल। अच्छा मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस किए दोनों शामीर के टाइम पे, क्योंकि मेरा जब नॉर्मल नहीं हो रहा था ना और इतने घंटे गुजर गए, डॉक्टर ने कहा अब शायद इसके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं रही है, तो फिर उन्होंने कहा इसको सिजेरियन की तरफ ले जाओ। अच्छा वैसे कुछ लड़कियां प्रेफर ही यही करती हैं कि सिजेरियन कर दे हमारा, हमें नहीं दर्द बर्दाश्त करने। मतलब मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि भाई साफ वो कह देते हैं, या तो वो ये कहती है एपिडेरल लगा लो। हाँ। कि वो एपिडेरल से उनको कुछ पता नहीं चलेगा बाद में जो कमर का दर्द। नहीं भाई ऑपरेशन का बड़ा बैड सीन होता है, उसके बाद आपको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना मोटापे को। ओ हो हो। अच्छा आप बताएं तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना एक जब भी मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है वो वाली होता है ना, सबसे मुश्किल डिलीवरी किस बच्चे की थी? पहली ही। पहली? हाँ पहली वाज वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, तब पता भी नहीं होता क्या होना है कैसे होना है, कुछ आइडिया नहीं होता। हाँ। और माय फर्स्ट बॉर्न उसका माशाल्लाह सर भी जरा बड़ा सा ओए होए ओए होए, तो वो फोर्सेप डिलीवर हुआ था। अच्छा, तो वो इट वाज लाइक वेरी पेनफुल, तो वो ये था कि शाम को पेन शुरू हुई तो अगली शाम में पैदा हुआ, सो ऑलमोस्ट 24 घंटे। ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन 24 घंटे एक औरत पेन लेती है तो जाके जो है वो। और फिर उसके बाद
बच्चा अब्बा का हो जाता है, मेरा है, मेरा है, है। सारी अच्छी चीजें अब्बा की। और मेरे मियाँ तो कहता हाँ ये देखो मुझ पे गया है ना, कोई आता था कहता था जरा सा उसने कह दिया है कि ये नाक जो है ना मुस्निदा जैसी है। नहीं नहीं मेरी जैसी, मैंने कहा बात सुनो मैं कोई बदशकल नहीं हूँ, अगर कोई कह रहा है मुझ पे चला गया है तो तुम कोई मतलब ऐसे तो ना करो कि माइंड कर रहे हो कि मुझ पे क्यों चला गया, आप पे क्यों नहीं गया। मतलब हमारे यहाँ तो ये चक्कर हो रहा था, तो होता है ना बचपन में, तो जब तुम्हारे बेबीज हुए थे दोनों, कौन से तुम्हारे हस्बैंड अरसलान दोनों ही उनसे मिलते हैं, मतलब कहीं अब भी बाहर जाती हूँ तो सब यही बोलते हैं कि अरे ये तो डिटो कॉपी है अब्बा की। हाँ। तो खैर मैं तो बहुत खुश होती हूँ क्योंकि जाहिर मेरी खुद अरसलान पसंद है। हाँ। नहीं मैं खुश तो मैं भी होती हूँ लेकिन मुझे इतना मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा था, एक दिन मैंने कह दिया कि यार मैं बच्चकल तो नहीं हूँ, इतना क्यों वो नाराज हो जाता, जी नहीं कोई नहीं आप ये देखे मेरे बचपन की तस्वीर देखे, तो बलाज है ना जब हाँ, सबूत साथ लेके घूम रहे होते हैं ना, उसने कोई अपनी ब्लैक एंड व्हाइट अब्बू के साथ तस्वीर ढूंढ ली। उसके बाद अब जैसे सब मुझे कहते हैं ना कि बलाज मुझसे मिलता है तो बलाज खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं डैडी के पास तस्वीर है वो देखे। हाँ नहीं बचपन की तस्वीर है डैडी की, मैं उनसे मिलता हूँ। सही बात है सर, मुझे तो खुशी होती है कि सारी हरकतें मेरी वाली है। हाँ। शकल भले अब्बा पे चली गई है, हरकतें क्या है ऐसी भाई, भी गुस्सा मेरी तरह आता है तो ये क्या मतलब है गुस्सा ज्यादा आना चाहिए, नहीं जब आता है तो बहुत बुरा आता है गुस्सा। और फ्रेंडली मतलब तुमने तो देखा ही है जिस हर माहौल में जाके बड़े एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब कोई शर्म और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है बच्चों में ना, बच्चों में तो वो देखने से और परिचय की तो बिल्कुल डिटो ऐसा लगता है कि मतलब मेरी बनी बनाई कॉपी है हरकतों में, जैसे बचपन में वो साड़ियां अम्मा की लेकर दुपट्टे लेकर बांध लेती थी और उनका मेकअप करके घूमती, सारा दिन घूमती रहती थी। अच्छा एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे तुम्हारा बेटा है ना माशाल्लाह और आपके दो बेटे एक बेटी, तो एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ज्यादा तैयारी में किसके मजा आता है इसको भी बता दें जरा, इसका तो बेटा है आपके पास, तुम तैयारी पकड़ लो। मेरा ख्याल हर किसी की तैयारी का अपना मतलब, मैं तो एक बेबी की तैयारी करती कर रही होती थी ना, सिर्फ एक पहली दफा पता चल गया था कि इट्स अ बेबी बॉय तो मतलब वी आई कलेक्टेड न्यूट्रल टाइप ऑफ कलर, वो नहीं पिंक और ब्लू बहुत शार्प उस तरह से नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ बेबी फर्स्ट फ्यू वीक्स जो है ना ऑल वाइट वाइट ही कपड़े पहनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सो वो सब ठीक था। सेकेंड टाइम जब मैंने कंसीव किया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि जब अल्ट्रासाउंड करी थी मैंने कहा क्या है मुझे बता दे, तो शी सेड भाई पहले क्या है, मैंने कहा पहले बेटा है, तो कि नहीं भाई हम पता कर लेते हैं कि पता नहीं होता कि पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, भाई तैयारी पकड़ लो गुलाबी गुलाबी की, मैंने कहा अच्छा, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैंने कहा अच्छा इस टाइम यू नो आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी गर्ल, तो मैंने पिंक और फ्रॉक्स और मुझे बहुत शौक था बच्चियों के कपड़े बनाने का, फ्रिली फ्रॉक्स और गॉड नोज व्हाट, मैंने बहुत सारे फ्रॉक्स सीने शुरू कर दिए और खुद स्टिच किए। फिर 8 मंथ में दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो मैंने कहा वुड यू लाइक टू चेंज योर ओपिनियन, या तो कहने भाई लड़की आ रही है भाई, यहाँ तक कि लेबर रूम में भी जो जूनियर डॉक्टर थी शी केम टू मी एंड शी सेड के और आपको पता है ना फिर बेटी आ रही है, फिर बेटियाँ तो बहुत ही होती है, मैंने कहा हाँ जी जी बिल्कुल पैदा हुआ तो बेटा, उसके व्हाइट ड्रेस के ऊपर ना हल्के हल्के बिल्कुल वो टिंट वाले जो व्हाइट सितारे होते ना वो लगाए हुए थे, इफेक्ट नहीं डाला। हाँ नर्स आती थी वो अच्छा माशाल्लाह से बेटी है, तो मैं कहती जी मैंने बताया। मेरी चाची है उनके 3 बेटे हैं और उनको इतनी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियाँ हों, अब वो बेटियों के कपड़े तैयार करके रखती हो बेटे जाते, आखिरकार उन्हें हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने बेटे को ही फ्रिल वाली फ्रॉक पहना, उनकी बचपन की तस्वीरें और वो छुपाते हैं कि खुदा के वास्ते में ये फ्रिल वाली फ्रॉक। आई जस्ट डिड द सेम। अच्छा ये जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने कहा बेटा मैंने इतनी मेहनत से कपड़े बनाए मैं पहना दो, मैंने पहना के उसको तस्वीरें शस्वीरें लेके फिर मैंने मेरी फ्रेंड्स कहती थी दे दो अब तुम्हारा बेटा, तुमने क्या करने हैं फ्रॉक्स हमें दे दो, सारे बांट दिए। फिर 2 साल अल्लाह ताला ने 2.5 साल बाद जोहा पैदा हुई तो बाद में मुझे इतना दुख हुआ मैं कि यार मैंने कि थोड़ा सा इंतजार और कर लेती तो तुमने पता
करवाया था क्या? अच्छा, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी पता करने में, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर सबके यहाँ बेटे हैं, बेटियाँ कम है। अच्छा, लेकिन अम्मी को बहुत था, मैं हज पे जा रही हूँ, मैं तो तैयारी करके जाऊंगी, मैं तो तैयारी करके जाऊंगी, तो मुझे बताओ। तो फिर हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो डॉक्टर्स कर रही होती है ना कि आपकी फैमिली में कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा 8 साल बाद है, कुछ भी होगा ना तो फैमिली खुश हो जाएगी। बाकी डॉक्टर्स पढ़ी लिखी डॉक्टर होती है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे गए होते, मगर मुझे भी नहीं बता रहे थे वो। उन्होंने कहा कि नहीं अभी पता नहीं चल रहा, पता नहीं। मैंने कहा बता दे यार, क्या है आपका पहले बेटा है, पता नहीं चल रहा। फिर भी उनको मुझमें एतबार नहीं था। अच्छा, मेरा सिंधी में है, जालिम ना हो, वो ड्रामों में कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जालिम ना हो कहीं वो ये ना कहे कि नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर तुमने तैयारी किया कुछ? बस फिर अम्मी ने की थी सारी तैयारी। हाँ। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था। हाँ। तो अम्मी सब करके गई थी। हाँ। और फिर वो सब ब्लू 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 सब हुआ, सब ब्लू। हाँ। और भी तुम बताओ। मेरी तो शामिर के टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा। और इतना ज़्यादा कि मैं शॉपिंग भी नहीं कर सकी। और इवन ना परीशे की टाइम की जो प्रेगनेंसी थी ना, मैं कहती थी इतना आसान होता है बच्चा पैदा करना। ना उसने बेचारी ने कोई तकलीफ दी ना कुछ, मतलब पहली थी ना, पहली थी। हाँ। और इतने आराम से मेरी पूरी वो प्रेगनेंसी भी गुजरी। हाँ। और डिलीवरी भी इतने आराम से हो गई, तो मैं बड़ी खुश थी। और उसके बाद जो शामिर साहब ने सारी कसर निकलवा दी कि मैंने कहा नहीं आइंदा नहीं करना। लेकिन वही कहते हैं ना कि माँ के हाथ में जब बच्चा आता है ना, वो अपनी जितनी तकलीफें होती हैं वो सब भूल जाती है। उसे वो सिर्फ वो चेहरा सामने नजर आता है, देन कुछ नहीं और याद। या आप लोग भी फ्लैशबैक में चली गई होंगी। डॉक्टर भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक छोटी सी मैं बात शेयर करना चाहूंगी। मैं तो वैसे सबको ये स्प्रेड करती हूँ कि जिस जो कोई भी मदर्स टू बी हैं, मैंने जब अपना थर्ड बेबी लाइक इट वॉज लाइक नॉट प्लान्ड, और मेरी बेटी बहुत नाराज़ होती है कि मैं तो प्लान में नहीं थी। तो सिंस आई वॉज वर्किंग, तो मुझे मतलब उस तरह हम लोग उस तैयार थे ही नहीं कि थर्ड बेबी आए। तो खैर, और प्लस पहली दो इतनी चैलेंजिंग किस्म की डिलीवरीज थी कि मैं बहुत डरी हुई थी। मतलब फर्स्ट 3 months आई वॉज जस्ट स्केयर्ड कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा। एंड आई वॉज पेंसिल थिन, आई वॉज लाइक लिटरली वेरी थिन। तो उस वक्त मुझे जब मैं डॉक्टर के पास भी गई तो उसने कहा कुछ कह देना, ये ना कहना कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। मैंने कहा जी मैं आपको यही बताने। तो एक प्रोफेसर साहब हैं, मेरे हस्बैंड ने फिर उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने एक तस्बीह बताई। अच्छा। एंड दिस वॉज अ मिरेकल तस्बीह, मैं बता ही नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। मैं जितनी डरी हुई थी, इट्स अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बीच में आपने अल्लाह ताला के 3 अस्माए अस्माउल हुस्ना है, या रहमान या रहीम या करीम, इसकी 100 times आपने तस्बीह करनी है। मैं तो तीनों को इकट्ठा 100 वाली तस्बीह अपने पास रख लेती थी। रोज सोने से पहले एक दफ़ा ये एक तस्बीह पूरी, और ये पढ़ के तो सोना था। तो मैं करती गई विद लाइक फुल एतकाद एंड ईमान। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा डर लगता था कि कोई डिलीवरी का ना रात का टाइम नहीं आए। और ठीक 12 बजे मैं रात को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। और वो जो डर था, अच्छा जब मैं एडमिट हो गई हूँ एंड आई वॉज इन माई लेबर रूम, आई वॉज जस्ट काम, मुझे कोई डर नहीं था। माई हस्बैंड वॉज आउटसाइड। अब इतना ऑकवर्ड टाइम था, मैंने अम्मी को फ़ोन नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ। मेरे हस्बैंड बाहर थे और मैं अंदर थी, दैट्स इट। और इतनी तसल्ली, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास कोई है। आई मीन लिटरली आई वाज फीलिंग सो काम, सो आई वुड रियली पास इट ऑन टू हूएवर रियली नीड्स इट। बहुत अच्छी तस्बीह है, ये पढ़ें और अल्लाह ताला के जिसे कहते हैं ना उसकी बरकतें नाजिल होती हैं। और चीज़ें इतनी विद इन 3 hours शी वाज बॉर्न, माशाल्लाह, नेचुरल, एक कोई ड्रिप नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, बगैर किसी चीज के, नेचुरल बर्थ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत असर है इन दुआओं में। कभी होता है आप सूरह रहमान लगा लें, आप बेचैन है बकायदा, लाइक ऐसे ऐसे ऑपरेशन थिएटर्स में सूरह रहमान लगाई जा रही होती है। सूदी के इफेक्ट देती है, और वो वाली चीज है, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है भाई, बहुत सुकून दिल में उतारती है, सीरियसली। अच्छा जी, तो भाई अब जरा आप बताइए ना अपना एक्सपीरियंस, मैं आपसे भी पूछूं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक्सरे करा कर आई थी, बोन एक्सरे होता है फर्स्ट। हाँ। उसमें तो हमारे घर में डॉगी थे। हाँ। तो वो जैसे मैं अंदर आई, उन्होंने सीधा आके जो है ना भागते हुए आए और मेरे पेट पर उन्होंने अपने हाथ लाल जैसे रखे। हाँ।
और मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया और मेरा 7.5 मंथ था। तो फिर ना क्या हुआ कि मैंने कहा कि मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कहा कि इतना वाटर कैसे हो रहा है। फिर मैंने अपनी सास को बताया तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन चलो हॉस्पिटल। ओह माय गॉड। फिर मैं जब हॉस्पिटल गई तो दोपहर के 2 बज रहे थे, तो सुबह के 8:30 बजे सारा जो है इस दुनिया में मैच्योर हुई। प्री मैच्योर हुई, ना उसके बाल, ना उसके नाखून, ना आईब्रो। अल्लाह। और जब सारा हुई तो एकदम वाइट उसमें थी, तो डॉक्टर ने कहा मुबारक को बेटी हुई है। और मेरे साथ भी यही किया था डॉक्टर ने कि जब तक मैं होता था अल्ट्रासाउंड कहते बेबी बॉय कहते थे। अच्छा अच्छा सारा आई। अच्छा जैसे ही सारा आई तो मेरे जहन में उन्होंने कहा देखिए कि मुझे बताया तो मैंने देखा कि अल्लाह अल्लाह ने बेटी दी है, वो भी सूरजमुखी, क्योंकि वो एकदम वाइट लग रही थी। और है ना आप यकीन करें मेरा बीपी ड्रॉप हो गया। ओह माय गॉड। तो फिर डॉक्टर ने जल्दी से जो ट्रीटमेंट्स होते हैं कि वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे थप्पड़ मारते हुए ना नमक या कुछ मेरे मुंह में डाला। फिर मेरी जो जिठानी है वो भी डॉक्टर है। अच्छा। तो वो मेरे साथ लेबर रूम में थी। अच्छा। तो उस माने का बिल्किस इतनी प्यारी है देख दो लोग। मैंने कहा मेरी जो नजर पड़ी थी वो पूरी जो कॉट था ना उसके साथ थी, वाइट लेयर के साथ थी। तो मेरे जहन में वही था। फिर जब उसको निला दुला के ला के मुझे दिखाया और मेरे बीपी थोड़ा सही हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जैसे आप कह रही ना मैं अपने बच्चों को लोरी भी यही सुनाती थी, या अल्लाह या रहमान या रहीम। और फिर हुसैन तो फिर 9 साल बाद हुआ और मैं हुसैन की दफ़ा मैं बहुत रिलैक्स थी, मैं यही तस्बीह पढ़ती रहती थी। और मैं रात को गई थी तो मेरे साथ कोई भी नहीं था क्योंकि वो डॉक्टर ने कह दिया था कि बेबी बहुत हेल्दी है और आपका ऑपरेशन होगा। तो मेरी एक नॉर्मल हुई है, एक ऑपरेशन से। लेकिन आप यकीन करें मुझे कोई वो नहीं हुआ, तस्बीह में बहुत बरकत है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं आप के एक्सपीरियंस से जो ब्रेक के बाद आके जानेंगे। फरा अभी आप सिर्फ सुने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आप देख रहे हैं समरा को हम मुबारकबाद दे रहे हैं माशाल्लाह से कि वो एक वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों तले जन्नत है। तो क्या जिनके 9 बच्चे होते हैं उनकी उनको जन्नत का ज्यादा बड़ा टुकड़ा दर्जात बुलंद होंगे। वही तो जिनके 11 होते थे पुराने जमाने की अम्माओं के पास, वो रेशो यही होता था पहले वाले वक्त में। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मिराइल आपसे, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़े आराम से सब कुछ हुआ और माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे थे, जन्नत का बड़ा टुकड़ा है मेरे पास। और चारों बेटियां बहुत आराम से, बल्कि 4 शुरू के बच्चे। हाँ। मैं ड्राइव भी खुद करके जाती थी और सिर्फ लास्ट मोमेंट में मुझे किसी को कॉल करके बताना मतलब हॉस्पिटल आप ड्राइव खुद, मैं खुद चेकअप के लिए मतलब सारे टाइम मैं खुद अकेले खुद करती थी सारे काम। हाँ। और मतलब उस कंडीशन में मैंने गाड़ी को धक्का भी लगाया। मैं गाड़ी बंद हो गई, मतलब मर्दों की तरह सारे काम किए। लेकिन लास्ट जो मेरी बेटी थी उसमें मेरा वही हाल हुआ था कि मैं तकरीबन 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी, पहले सारे पूरे लेबर पेन, लेकिन वो डॉक्टर की मर्जी और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उन्होंने जो है ना सीजर किया था। तो सबसे डिफिकल्ट था, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कभी कि कब हुआ, कैसे हुआ, टाइम कैसे गुजरा, मुझे कुछ नहीं पता चला 4 बच्चों में, लेकिन 5वें में काम हो गया। सारी कसर निकाल दी एक साथ ही। वो तो मैंने सेकंड टाइम राहिल की दफा। अच्छा अच्छा। तो छोटी सी गाड़ी थी वो रुक जाया करती थी। हाँ। यार ये एक वीडियो बननी चाहिए कि उठ सही बात है। मुझे आइडिया आ गया, मैं यहाँ से कहूँगी कोई सिचुएशन डाल दे। तो वैसे वाकई पता नहीं हिम्मत कहाँ से आ जाती है। नाजुक मिजाज लड़कियाँ होती हैं, बिल्कुल हर बात पे ढह जाना, बेहोश हो जाना। लेकिन जो है जब ये जब वो एक माँ बनने जा रही होती है, वो कहते हैं कि इतना कोई तकलीफ दे प्रोसेस है कि मतलब वो कहते हैं ना क्या कहते हैं इस बारे में कि इतने दर्द होते हैं कि नहीं कुछ हड्डियों के हिसाब से जितने हड्डियां हैं, जितनी हड्डियां 360 हड्डियां जो है वो टूटती हैं तो उससे ज्यादा वो पेन उठाती है लेबर पेन जो होता है माँ को। सबसे ज्यादा तकलीफ जलने की होती है और दूसरी लेबर पेन की। लेकिन लेकिन एक खुदा की तरफ से एक ये नेचुरल चीज है कि आप पहले बच्चे के बाद
फिर दूसरे के बाद एंजॉय भी करते हैं नहीं, आप भूल जाते हैं वो दर्द, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता आपको इंटेंसिटी, आपको दर्द की याद नहीं रहती, हाँ दर्द हुआ था लेकिन वो एक आपकी मेमोरी में आपकी वो इतना नहीं रहता है, वरना आप दूसरी दफा ट्राई ना करें. एग्जैक्टली नहीं, आप कह रही हैं जैसे आप बच्चे की शक्ल देखते हैं तो आपका तकलीफ सब कुछ भूल जाते. हर चीज की ट्रेनिंग है, आप खाना बनाने की ट्रेनिंग है, आपकी स्टिचिंग की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग है, बट बच्चा पालने की कोई ट्रेनिंग नहीं है. वो माँ के हाथ में आता है और ट्रेनिंग खुद ब खुद अल्लाह ताला उसको देता है. वो हर सही बात है, लोग तो सिर्फ आपको बता सकते हैं ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं ना तो फिर पता चलता है कि यार कितना मुश्किल है. आप सिर्फ एक ये चीज सोचे कि न्यू बॉर्न बेबी, उसको पहली दफा आपने अगर नहलाना है, मेरी तो लिटरली हाथ चेंज करने हो, इतना छोटा सा बच्चा और किस तरह से कहीं मुझसे हाथ से फिसल ना जाए. अब जा रहे बच्चे भाई, मैंने तीनों बच्चों को हाथ में नहीं पकड़ के नहलाया, वो एक जाली वाली एक हाँ, वो आती है नहलाने की हाँ, उसके ऊपर बेल्ट बांध के लगा दिया. मुझे तो पता है फायदा ये था कि मेरी जेठानी मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि न्यू बॉर्न बेबी को किस तरह से डील किया जाता है, सब उन्होंने खुद चीजें की थी. अच्छा, मैंने तो नहलाया नहीं हाथ पकड़ के, बाकी बच्चे को ऐसे ही करके हाथ से उठा लेती थी, करके वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं नहलाने में मुझे तो स्लिप हो जाए, हाथ में साबुन लगाए कुछ है और वो मचल भी रहे होते थे ना बच्चे, नाजुक कितने से, मुझे बहुत डर लगता था. अच्छा, कहाँ से इसकी हेल्प कहाँ से शुरू करें भाई? सबसे पहले तो क्योंकि ये थर्ड बेबी है, ऑब्वियसली वो जो फर्स्ट बेबी के अंदर जान होगी तुम्हारे अंदर शायद वो अब नहीं है. वैसे मेरे तो तीसरे वाले में सबसे ज्यादा जान थी क्योंकि इन लोगों का साथ था ना मेरे पास, ये खा लो निदा ये खा लो, इतने मशवरे थे, तो शायद तीसरे वाले में मेरे अंदर बहुत जान थी, बहुत ख्याल करके मैंने खाना पीना किया. सही, तुमने क्या खाया है साथ में? मैंने अभी, मेरा तीनों में एक ही जैसा रहा कि मैंने खूब मीठा खाया है क्योंकि देखो हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसके अंदर हमें इतना मीठा अलाउड नहीं है. हर वक्त डाइट करनी है, हर वक्त ख्याल करने की जी बर्गर्स नहीं खाने, पिज्जाज नहीं खाने, तो मैं अपनी डिलीवरी जो अपनी प्रेगनेंसी ना वो खाने पीने में खूब एंजॉय करती हूँ. मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, सारा फलक जो है, सारा खान जो है होने वाला है, किसी भी दिन इंशाल्लाह से खैर आफियत से फील करे. तो जो उनके हस्बैंड है फलक, वो जो बच्चे के लिए कमरा सेट दिखाऊंगी, बहुत छोटे कपड़े जो टांगे हुए हैं, जो टेडी बेयर्स लग रहे, पूरा एक अपने उन्होंने इंस्टा पे डाला था, वो एक्साइटमेंट बड़ा मुझे अच्छा लगा. अच्छा जी, शुरुआत करते पटेबल की. जी जी, हाँ आप क्या बताने वाले हैं? जी मैं ये बता रही हूँ, वैसे तो समरा के तो माशाल्लाह थर्ड है, लेकिन जब प्रेगनेंसी में एक सबसे पहला जो उसका सिम्टम है वो है जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा होती है. समरा इस दफा में एक भी नहीं हुई. वाह भाई, हमारे उस लिहाज से मैं बड़ी खुश रही कि हाँ मुझे बड़ा वॉमिट से मेरी इरिटेशन. मैं तो तीनों में हुई है वॉमिट. नहीं नहीं नहीं, 3 महीने तक मुझे वॉमिट होती है, और आप लोगों को याद नहीं है मैं ब्रेक के दौरान हमारा तो यही हो जाता शो करते हुए, इतनी मुश्किल से गुजरे हैं वो 3 महीने. अच्छा, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी, तो आलू बुखारा, सूखे आलू बुखारे रख लिया करें इसको जैसे. अच्छा, हाँ पूरे दिन में थोड़े थोड़े ले लिया करें. अगर बेतहाशा वॉमिट हो रही है तो जैसे ये लीमू और इसको चीनी में, थोड़ा सा चीनी के साथ. अच्छा, हाँ आप कहाँ थे आपने, मुझे पहले क्यों नहीं पता? आप कर लेना. You can try it now. No. No way. तो ये जो है ना इसको वो नहीं करना, मतलब कि इसका जूस निकाल वगैरह नहीं करना, इसको लिकिंग करनी है. चीनी लगा के बैठे तो उसके बाद चाटने के बाद तो चीनी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा लगाए. फिर आप वो करके करें तो इंशाल्लाह इसके हुक्म, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जो नोजिया वॉमिटिंग हो रही है वो रुक जाती है. उसके साथ आलू बुखारे ज़रूर साथ रखें. अगर आपको नमक पसंद है, वैसे मैं कहूँगी कि जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हो तो चीनी नमक बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अवॉइड करें. ठीक है, आप आलू बुखारे लेके ना इसको, ये तो पानी में डाल दिए, मुंह में डाल के इसको अल्लाह का मजा आता है. मैंने फरीद की दवा बड़े वाले जो बेचारे खूब आलू बुखारे खाए मैंने. ये इतनी अच्छी रेमेडी है और इतनी इजीएस्ट रेमेडी है कि ये कर लें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा. और
जैसे बास प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आपको जैसे आप कहीं जाते हैं तो भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, खाने की स्मेल से फीलिंग आती है। आप लोगों को ही मिलना आपको नजर नहीं खास नहीं तो उन दोनों के लिए वॉमिट नहीं, बस ऐसा लगता था कि हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। और उसको संभालने के लिए ना मैं पता नहीं अजीब से मुझे क्रेविंग्स होती थी, आप लोग मुझे मारेंगे, मैं तो गोलगप्पे बहुत खाती थी। लेमन मैक्स होता है बर्तन धोने का साबुन, वो पास रखती थी उसको सूंघती थी, खाती मिट्टी की वो जो सिकोरियां होती है अंदर तो खुला भी नहीं आती बहन, इतनी अच्छी होती है यार। लीमू होता है ना, हां अजीब सा ही नशा था उसके अंदर। तो बस ये दो चीज वो अजीब सी होती है, वो अजीब सी लीमू पानी लगने से बना के पी सकते हैं, लीमू पानी भी पी सकते हैं, लेकिन लीमू पानी पीने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह करके जिनको बहुत ज्यादा डायरेक्ट आप इनटेक कर आप हल्का हल्का सा लेते रहें और आलू बुखारे दिन में 4 से 5 बस वो खाते रहें। अगर नमक की ज़रूरत है तो बहुत कम नमक और काली मिर्च और चीनी ये मिक्स करके आलू बुखारे में रख लें, चखारे वाला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हाय अल्लाह कहाँ पहुँच गए चखारों पे बात आ गई ना। आपको क्रेविंग होती थी खट्टे की बहुत, चने बॉईल करके उसके हरी मिर्चे काट काट के डालती थी, तो मतलब मेरी मम्मी कहती क्या तोता पल रहा है अंदर, ऐसे हरी मिर्चे काट काट के खाती। और तुम्हें किस चीज की होती थी क्रेविंग, खट्टे की या मीठे की? मीठी। सुने मर्दों को बाहर निकाल अगर ऑटो पर छोड़ दें, हमने बहुत जनाना एक महसूस कोल्ड ड्रिंक मैंने बहुत पी है और रात को 2-2, 3-3 बजे मुझे हम लोग बकायदा क्रेट्स लाके ना रखे हुए थे हमने, ओह माय गॉड, और उसमें मैं बहुत सारी बर्फ डाल के ना पीती थी। और एक और अजीब सा सीन हुआ था कि जाग रही होती थी, नींद ही नहीं आती, अजीब आपको वहशत होती है, बर्फ भी खाते मुल्तानी मिट्टी खाते मुल्तानी मिट्टी मेरी नान मुल्तानी मिट्टी खाती थी, मैंने कहा ये क्या कर रही हो वाली, तुम्हारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं। और अम्मी मुझे इतना डराती थी, जागता रहेगा वो काला हो जाएगा, ये तुम इतनी पीती हो ना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अभी मैं अकेली गुजर रही हूँ ना इन हालात से, मुझे पता है। तो कहती हमारे तो हुए ही नहीं है, तुम लोगों के अनोखे हो रहे हैं। मैं ना दूध नहीं पीती थी तो मैं ना उसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल के जो है ना वो दूध पीती थी, तो मुझे भी जो बड़े बुजुर्ग बच्चा काला पैदा होगा चॉकलेट डाल ली, इसलिए मतलब ऐसी बातें करते जाफरान डाल के दूध पिलाते, जो बच्चे हैं वो तो अपने पेरेंट्स में ही जाएंगे ना भाई, आप इमली खा ले चॉकलेट मिल्क पी ले या कुछ भी कर ले, तो वो ये एक अभी आप लोग बात कर रहे थे ना जो बच्चे पैदा होते हैं तो बाप कहता है जी मेरे पे, माँ कहती है मेरे पे, व्हाटएवर, माँ तो खैर क्लेम कम ही करती है मैंने देखा, तो सबसे पहले तो रंग में बात जाती है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो पिगमेंट तो लेके पैदा हुआ बच्चा, और आपको बताओ क्या होता है अगर बच्चा हल्का सा बेचारे का रंग कम होता है ननिहाल पे ननिहाल पे, और अगर गोरा चिट्टा बच्चा हो गया हाय पुप्पू पे गया दे, ये जो भी ससुराल में गोरा रंग होता है बच्चा फिर उस पे डाल दिया जाता है, वो इस पे है। और नारियल पानी पीने को भी बहुत सजेस्ट किया जाता है, ये गोरा बच्चा होगा नारियल पानी। अच्छा मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा आपके हेल्थ पे, मुझे क्रेव करता है मतलब शुरू के 3 से 4 महीने कोकोनट वाटर या फिर नारियल खाना। अच्छा मुझे वॉमिट होती है, मुझे तो बहुत ज्यादा क्रेव करता है, और इस्लामाबाद में यकीन करो इतने मजे का कोकोनट मिलता है मीठा बिल्कुल कि मैंने बड़ा उसे एंजॉय किया, और फिर एकदम से वो आपकी क्रेविंग ना हल्की हो जाती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। कोकोनट वाटर में तो इतने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका जो फाइबर है ना दैट्स वेरी हेल्प, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, आपको एनर्जी देता है वो खास तौर पे इन दिनों के लिए। ओके जी नेक्स्ट नेक्स्ट टिप। अच्छा बाल हेयर फॉल बहुत होता है माँ, अच्छा वो कहते हैं बच्चा बोलता है तो बाल गिरते हैं, ये क्या कहानी, शुरू से लेकर आखिर तक माँ के ही बाल गिरते हैं, बहुत सारी परेशानियां माँ को मिलती है। अच्छा मैं बाल के गिरा दो भाई बच्चा बोले तो, अच्छा मैं इसकी एक बात बताऊंगा लेकिन हो जाता है। अच्छा मैं ये बताना चाह रही हूँ जैसे बच्चा 6 महीने का होता है बाल गिरने लगते हैं, तो इसकी ये वजह भी होती है जो नर्सिंग मदर होती है जो फीड करा रही होती है उनको गायनेकोलॉजिस्ट आपको मल्टी वाइटामिन्स दे रहे होते हैं और आप वो मल्टी वाइटामिन्स नहीं खा रहे होते, मतलब 6 महीने बाद कहते हैं कि आप कौन खाए, चलो यार हो गया है ना। तो जितने आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जो आपको प्रेगनेंसी में दिए गए होते हैं
वो आस्ते आस्ते आपकी बॉडी से खत्म होने लगते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा असर आता है आपकी स्किन पे, आपके बालों पे। तो प्लीज आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की बात मानिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बच्चा बोलता है तो बाल गिरते हैं, जब बच्चा बोलना शुरू करता है आपने अपने सारे विटामिंस छोड़ दिए होते हैं, तो ये कोई मिथ नहीं है। अच्छा, एक और चीज भी लॉजिक इसकी है, प्रेगनेंसी के अंदर आपका कलर बहुत फेड होना शुरू हो जाता है। यही तो बता रही है वो, लाइट एंड डार्क, मेरा यही तो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जो है ना हॉर्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं, तो आपका कलर हमेशा डार्कर टोन में चला जाता है। उस वक्त आप हर्बल रेमेडी करें, लेकिन बहुत लाइटर वे में करें। वो आपको कलर, जब आप अपनी मल्टीविटामिन बहुत अच्छा रखेंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा। कितने दिन तक खानी चाहिए मल्टीविटामिन, जो बच्चा होने के बाद कितने अरसे तक खानी चाहिए? तो तकरीबन अब जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो साल भर तक आपको खाना चाहिए, खाते रहना चाहिए डिफरेंट टाइमिंग के साथ, ना कि बच्चे को जो फीड करा रही है उनको भी नुकसान ना पहुंचे, जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। शुरू के 1 मंथ में दूसरी होती है, फिर 3 मंथ्स के लिए अलग देते हैं, देन उसके 5 मंथ्स के लिए अलग देते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग होती है। आप लोगों ने रखा था अपना ख्याल भाई? हाँ बिल्कुल, बेबीज होने के बाद ख्याल रखा? बंजीरियां नहीं खाई है मैंने कभी। पहली दफा में बनवाई वो हमने सब, मैंने सबको बांटी थी। क्यों नहीं खाई बंजीरी? तो अच्छी वो कमर का, बहुत मुश्किल, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। वो मतलब वो मेरी अल्लाह बख्शे मेरी दादी ने बनवा के दिया, वो 4 मगज और पता नहीं क्या क्या ग्राइंड करके वो डाल के सुबह सुबह दे देते हैं। हाँ मैंने बड़ी खाई है, मखाना बादाम वगैरह। अच्छा तुमने नहीं खाई? तुमने खाया सब? अम्मी ने बना के देती थी दूध के अंदर, और कुछ भी खाने नहीं दिया क्या ऑपरेशन हुआ है। अच्छा डॉक्टर ने मुझे कहा जब भी फीड करवाओ, क्योंकि मैंने करवाया है, तो वो कहती थी आप 2 ग्लास पानी पिए ताकि वो प्रॉपर फीड कर सके। एक तो जीरा फांकना भी होता है। यस, जीरा भी। अच्छा एक और बहुत जबरदस्त टिप जो मुझे थर्ड बेबी पे मेरी किसी एक मेहमान दोस्त ने दी थी, उसने बोला कि सूजी को दूध के साथ मिला के लिक्विड सा बनाओ, हाँ, और इतना वो मजे का था, और फीड कराने से पहले वो पियो, वो पियो, बहुत बहुत अच्छा है वो। उससे पानी की वैसे मैंने भी सुना, और एक तो जीरे को फांक लो वो एक चीज, और दूसरा आपने सूजी की पानी पिया, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। सूजी की क्या कहते हैं? क्राप बोलते हैं इसको, सूजी का सूप बोलते हैं, सूजी की खीर भी बोलते हैं, बहुत मजे का होता है, टेस्टी भी होता है। तो ये सोचे बगैर भी सूजी आपका वजन बढ़ाएगी या कुछ, मगर उससे ताकत आती है, और आपके बच्चे को अच्छा फीड मिलता है माँ का। वरना होता है ना कभी कभार आपको ये होता, पता नहीं हमारे फीड से बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी माएं जिनको ऐसा लगता है कि उनको उतना फीड नहीं आता और वो बच्चे को नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ती है अपनी खुराक पर, क्योंकि वो जो खाएंगे, पेशेंस भी रखना पड़ता है। मुझे भी लोगों ने बहुत शुरू में किया, क्योंकि आहिल को कॉलिक का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कोई नहीं समझ रहा था, बल्कि सब मुझे कहते थे इसका पेट, एक तो अम्मी मुझे पानी नहीं पीने देती थी, ऑपरेशन हुआ थोड़ा सा पीना पेट निकल आया, मैं कहती थी अरे डॉक्टर ने कहा है यार 2 ग्लास पीने का। फिर वो सिर्फ मटन का एक शोरबा होता था, उसके अंदर अम्मी देसी घी की रोटी चूर के मुझे खिलाती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 1.5 महीने तक अम्मी ने बहुत ख्याल किया, तो मैंने उनसे कहा भैया सब डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर का दिमाग खराब है। डॉक्टरों को कहने के दौर में तो नहीं, मैंने कहा आपके दौर में तो घर में भी हो जाते थे, मतलब हम तो इतनी हिम्मत नहीं ला सकते, तो हमें डॉक्टर की सुननी पड़ेगी। तो उस वक्त ये होता था कि आहिल बहुत रोता था 6 मंथ्स तक, तो सबको ये लगता था, मतलब आते जाते ना, मैंने बड़ी तकलीफ उठाई है इस बात पे, इसका पेट नहीं भरा। आपके अपने ही बोल रहे होते हैं इसका पेट नहीं भरा, तुम पता है, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था तुम पेशेंस रखना, वो वहाँ पे ना पूरी ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद। अच्छा, बाकायदा ट्रेनिंग सेशन था, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत लोग कहेंगे कि आप टॉप फीड लगा दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आई डोंट नो कि बड़े बुजुर्ग अब ज्यादा कहने लगे, पहले नहीं कहते थे, पहले कहते थे नहीं नहीं माँ का दूध, माँ का दूध, अब डॉक्टर्स कहने लगे माँ का दूध बहुत मुफीद है, मगर दादी और नानी आ जाती यार बच्चा भूखा है, और रो हमारा बच्चा रहा होता है, लेकिन कंसर्न सब ऐसे शो करते थे, बस अब बहुत परेशान हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद माँ गिल्टी हो रही है, मेरा बच्चा रो रहा है क्या करूं, मैंने फिर ये किया था कि जो होता था ना, मैं उसके अंदर आवे जमजम मिलाती थी थोड़ा सा, और मैं कहती थी इससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अम्मी आई थी, मैंने कहा तो बेजरर सी चीज है, तो मैं उसके अंदर मिला के और आहिल को वो दूध दे दी। अच्छा। तो वो रोता कॉलिक की वजह से था, लेकिन सबको लगता पता है तुम डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से पूछो कौन सा दूध देना चाहिए, इसका पेट नहीं भरा, तुम समझ नहीं रही हो इस बात, ये सारी बातें तुमने कुछ सुनी माशाल्लाह से। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे कॉलिक नहीं थे। अच्छा। उन्होंने प्रॉपर फीड लिया है। अच्छा। सब कुछ हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको बड़ा आसानी से टॉप फीड के ऊपर जो था, क्योंकि जाहिर है फिर एक वक्त आया कि काम भी शुरू करना था, जिमिंग करनी थी, डाइट करनी थी, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे उस मामले में कोई परेशानी नहीं हुई। खाया प्रॉपर 6 महीने बाद मैंने उनको खाने पे भी डाल दिया,
हर चीज। तुम्हारा भी माशाल्लाह रंग डल नहीं हुआ था मैंने देखा, हल्का नहीं, मेरा फेस डल नहीं हुआ था लेकिन पूरा वैसे हाथ बॉडी ये चीज मेरे कहीं ना स्पॉट्स वाइट वाइट लाइंस पड़ गई थी, ब्लैक लाइंस पड़ गई थी, इस तरह का चेंज आया हुआ था। मेरे गले के ऊपर लाइंस आ गई थी जो आज तक नहीं गई। ओह माय गॉड यार देखिए जरा कितने सारे चेंजेस आ गए। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझ ही नहीं आ रही होती है ना कि मतलब ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो गया था। वैसे मदर्स को पहले से प्लान करना चाहिए के बच्चे को खुद फीड करना है। मैं आपको बताया मैंने तैयारी की थी। मैंने अपने पहले बच्चे को लाइक मैं वहां तड़पती रही क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी सब यंग एज की बात। सेकंड बच्चे में एंड थर्ड बच्चे में मैंने प्रेगनेंसी में तैयारी की थी कि मैंने क्या खाना है जिसकी मदद से मैं इनको दो ढाई साल होता है ना जब तक दूध पिला सकते हैं। मैंने सेकंड और थर्ड में आई मीन मेरे बच्चों को पता भी नहीं है फीडर क्या होता है, दे डोंट इवन नो। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों माए इतनी पेन लेती हैं फीडर्स धोने मिल्क का सही है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम नेचुरल बनाया। अच्छा मैं भी पहली बेबी की दफा ना मुझे लगता है कि बाद आते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपके हस्बैंड्स तो नहीं है उनको ऑफिस भेजने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम तो भाई ब्रेक पे भी इतने गप्पे मारते हैं वो तो मुझे तो मजा है। ढाई घंटा ये जो सेशन होता है ना हम खवातीन का, वो मेरी क्रेविंग जो बातें करने की होती है वो पूरी हो जाती है। घर जाके मैं सिर्फ टीवी देख के सुनती हूँ, बच्चों से सुनाती हूँ कि क्या वो टॉपिक भी इस वक्त ऐसा है ना कि हर कोई अपना एक फ्लैशबैक में चला गया और अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो जहनों में आ रहे हैं कि भाई किसके साथ कैसा हुआ। अच्छा अभी अब तुमने कहा था ना कि गर्दन काली हो जाती है और ये बहुत सारी खवातीन को इशू होते हैं। फरा तुम बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगी। गर्दन काली हो जाती है, स्किन का कलर टूट गया ना, वो तो पहले मसले बड़े होते हैं। अच्छा हमारे यहाँ कहा भी आप लोगों को सबको पता होगा, कहा जाता है, मैंने भी सुना है भाभी उसके गर्दन काली होगी बेटा होगा, खूबसूरत होगी ये बेटी होगी, ये वाला बड़ा होता है ना। मनुष्य कोई भी होते हैं ना हम लोग जितने बुरी शक्ल के होते हैं बेटा है, बेटा है, बड़ी प्यारी हुई भी हो बेटी आई हाँ निखार आया चेहरे पे निखार हो गया। तो ये तो मैं भी सुनती रहती हूँ मेरी भाभियों को, तो बेचारी गर्दन काली हो या खूबसूरत हो तो बेटे हो जाते हैं या बेटियां हो जाती है, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन चले आपकी गर्दन काली हो जाती है, फेस का टू टोन कलर जैसे समरा का भी हुआ हुआ है, उसके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी के आपको बनाने में भी तकलीफ ना हो, जल्दी से बन जाए और उसको अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट भी आ जाए। अच्छा पेट्रोलियम जेली हमारे घर में मौजूद होती है, उसको मैंने ले लिया। इसको बना के आप एक दफ़ा रख लें, आप बार बार तो उसको बनाएंगे नहीं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है किसी किसी की, किसी किसी में होती है हिम्मत किसी में नहीं होती है। तो आपने इसको एक दफ़ा बना के बस उसको रख देना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ मूली के जो बीज है उसका ऑयल है, वो व्हाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। क्वांटिटी में हमेशा कम इस्तेमाल करना चाहिए वरना आपको जलन होती है, रैशेस भी पड़ सकते हैं। तो बहुत कम क्वांटिटी का मूली भी तो खाने में देखो ना यहाँ एकदम जलन सी हो जाती है। तो इसके बीज का मैंने ऑयल ले लिया है, ये पंसारी स्टोर से मिल जाएगा आराम से, बहुत हाफ टी स्पून, बहुत आराम से हर चीज मिल जाती है। हाफ टी स्पून 1 टेबल स्पून मैंने पेट्रोलियम जली ली और हाफ टी स्पून मैंने मूली के बीज का ऑयल लिया और सैंडलवुड पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है हर जगह पर। 1 टी स्पून मैंने ये ले लिया। एक आपकी बहुत अच्छी सी एक स्क्रबिंग क्रीम तैयार हो जाएगी। आपने एक जार में करना कब है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए आपके पास? जब भी टाइम हो बहुत आसान से, जब भी ये कोई ऐसा नहीं है इसका कि आपने रात को लगाना है सुबह लगा, रात को लगाएंगे तो फिर चिपचिपापन होगा, आपको सही से नींद नहीं आएगी। दिन में लगाएं कि आपने जब रूटीन के कामों में भी लग जाते हैं तो कोई आपको पता भी टाइम का पता नहीं लगता। देखिए थोड़ी देर लगा के छोड़ें, कितनी देर छोड़ दें इसको, एक छोड़ दें, एक घंटा छोड़ दें, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, आपने अच्छा से इसको लगा लेना है। अच्छा अभी देखिए ये जो आपने चीज बनाई है तो गर्दन काली और उसके लिए जी जी जो नॉर्मल लोग हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है वो अपने नकल्स वगैरह को लगा सकते हैं, घुटने बिल्कुल घुटनों पे लगा सकते हैं और उनकी भी तो बेचारों की गर्दन काली हो जाती है ना, तो वो आप इसको लगा सकते हैं। लगा के आप इसको छोड़ दें, अपने डेली रूटीन के काम करें, 1-1.5 घंटे के बाद फिर आप इसको वॉश कर लें, आप कुछ दिनों में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसकी जो हमारी लेयर स्किन की जम जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरती है और साफ स्किन आ जाती है। अच्छा आप बालों का रह गया था, आप मतलब हम गप्पों में लग गए, बालों का भूल गए। अच्छा बालों का कुछ मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या वैसे ही बाल अगर आपका हेयर फॉल हो जाए तो उसके लिए एक ऑयल बना के रख लें आप और वो पूरा मतलब एक ही दफा बना ले सालों चल जाता है। अच्छा अच्छा इसमें हमने करना क्या, नीम के ताजे पत्ते लिए, एक लेयर आपने इसकी बिछा दी, इसके ऊपर हमने गुलाब की पत्तियां इसकी लेयर डाल दी। अच्छा लेयर्स करनी है। अच्छा इसके ऊपर हम लौंग डालेंगे,
अच्छा ये पूरी लॉन्ग जो है ये लॉन्ग इस तरह से आप डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे मेथी दाना। अच्छा तीन चार चीजें हैं बिल्कुल। सबसे नीचे नीम के पत्ते हैं, फिर ऊपर गुलाब की पत्तियां हैं, फिर ऊपर लौंग की लौंग है और फिर मेथी दाना लेयर है और फिर मेथी दाना। अच्छा इसको पूरा आपने अच्छी तरह से भर देना है। सरसों का तेल डालेंगे, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। अच्छा कैस्टर, लेकिन सरसों का ही तेल है तो वो पूरा अच्छी तरह से कि पूरा मतलब भीग जाए, डूब जाए, डिप हो जाए अच्छी तरह से होना चाहिए। और इसको फिर हल्की सी आंच देंगे पहले आप। आंच देने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, चमचा नहीं गर्म भी हो जाए ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट के लिए आंच देंगे, इसका कलर चेंज होने लगेगा। ठीक है। और इसको एज इट इज उठा के धूप में रखेंगे 7 दिन। ओके, और कितनी देर तक हल्की आंच पे पकाना है? सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी मैंने रख दिया, थोड़ी देर में कलर चेंज बताइएगा, फिर मैं आपको अभी इसका कलर चेंज हो रहा है तो अब हम जो है इसको 7 दिन के लिए रखेंगे। एज इट इज पैन को रखना है या बॉटल में? नहीं, वो किसी शीशे में, किसी कंटेनर में, किसी प्याले में डाल के शीशे के कंटेनर बॉटल में, बिल्कुल बॉटल में करके उसको धूप में रख देंगे। अच्छा धूप में रखेंगे लेकिन कवर करके रखेंगे। 7 दिन के बाद आपका तेल तैयार है। अब आपको किसी भी तरह का हेयर फॉल है, उससे प्रेगनेंसी में नहीं, बच्चों के है, मर्दों के है, किसी एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं मुझे, बॉटल जिसमें आप डाल के इसको रखेंगे धूप में वो ट्रांसपेरेंट होगी? ट्रांसपेरेंट होगी नहीं, देखिए बर्नी रख लें लेकिन ट्रांसपेरेंट होना ज्यादा अच्छा, अच्छा है। और शीशे की प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, शीशा होना चाहिए। और अगर वो कलर में भी है, अगर ब्लू में तो बहुत अच्छी है, ग्रीन में मिल जाए ये कलर, फिर उसमें कलर का भी जो है ना उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो जैसे बच्चे के बाद आप मसाजेस कराते हैं ना, वो जो आती है चिल्ले में आपके मसाज, उस वक्त आप ये तेल बहुत, क्योंकि रोज ही हो रही होती मसाज, बिल्कुल आप तेल लगाएं। अच्छा इस तेल की खास बात ये है कि हेयर फॉल तो कंट्रोल करेगा, लॉन्ग है, मेथी दाना है, लेकिन इसमें गुलाब की पत्तियां और नीम के पत्ते जो है वो आपके दिमाग को रिलैक्स भी करेगा, जो खुश्की हो जाती है उसको भी खत्म कर दे। कहते हैं आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिमाग में खुश्की आती है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, तो ये उसको भी दूर करेगा। कोई टोटका आप लोगों के पास है? जो डिप्रेशन होता है बच्चा होने के बाद, एक बेबी ब्लूज होते हैं एग्जैक्टली, कि आपको रात को सो नहीं पा रहे होते, कैमोमाइल टी या खशखाश वाला दूध, खशखाश वाला दूध बहुत ज्यादा फर्क हुआ था आप लोगों को? मुझे तो बहुत होता था भाई, मुझे तो, मैं इतनी खुश होती थी हर बच्चे की दफा, आई यूज्ड टू गेट बिजी विद द बेबी, भाई मैं अभी डिप्रेशन नहीं हुआ। जैसे जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता, बेबी ब्लूज कहते हैं उसे, वो एक डिप्रेशन होता है जो बच्चे पैदा होने के बाद आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से कुछ खवातीन में बहुत ज्यादा होता है। और मैं, मुझे तीनों दफा, लाइक तीसरी दफा कम हुआ लेकिन मुझे दो दफा बहुत हुआ, मैं छोटी छोटी बात पर रोती रहती थी। उसमें होता ही है कि आपको जरा सी बात, सास की बात बुरी लग गई, मियां की बात बुरी लग गई, अपनी अम्मी की सगी माँ की बात बुरी लग गई और आप रो रहे हैं। फिर अम्मी कहती थी आपका बेटा जिस्म कच्चा होता है, आप रोगी तो ये देखो ये तो बहुत हल्के पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, तो इसको बेबी ब्लूज कहते हैं। पोस्टपार्टम जी पोस्टपार्टम इसमें क्या होता है कि पूरे घर वालों को साथ देना चाहिए। होता क्या है कि लोग आते हाँ। बच्चे को प्यार करते, जब रोता या पिशी पॉटी करते, माँ अगर सो भी रही हो तो उस पर डाल के चले जाते हैं। ये सही ये है। मतलब कि ये चीजें बाज़ औक़ात औरतें इतनी डिप्रेशन में आ जाती हैं हाँ। कि उनके हाथ से बर्तन भी छूट जाता है और बाज़ औक़ात वो अपने बच्चों से नफरत तक करने लगती हैं। उस वक्त साथ देखें, हस्बैंड वाइफ जो है उसमें क्या होता है, हस्बैंड दूसरे कमरे में जाके सोने लग जाते हैं, नींद नहीं पूरी होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, वो बच्चा भी रो रहा है, टाइमिंग उसके सोने की, जैसे ही रोए तो ऐसा होता है कि जब रोए तो बच्चा तुम्हारा है, जब हंस रहा हो तो बच्चा हमारा है। एग्जैक्टली, तो ये खानदानी जो बुराई है इससे बचना चाहिए और उस वक्त जो है ना उसको रिलैक्स रखना चाहिए। अच्छा होता पता है, जैसे मैं अगर पर्सनल बात बताऊंगी, जैसे अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है ना और आपकी अम्मी है या आपकी आपकी मदर इन लॉ या नंद है, आपका ना मुंह नहीं पड़ता उनसे कुछ कहने का, काम का, एक मुरव्वत है। अगर आपकी अम्मी या बहन होती है आप उनको तो कह देती यार संभाल लो इसे, भाई मैं 2 घंटे के लिए सो जाऊं, वो एक यहाँ थोड़ा रियलाइज करना चाहिए। अगर मैका है, बहुत सारे लोग मैके जाने ही नहीं देते, नहीं इधर ही रहेगी बच्चे, बिल्कुल। तो इस दफा मैं ये चीज एक्सपीरियंस करूंगी मजेदार तरीके से, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरी अम्मी मेरे पास होंगी, बहुत जरूरी है, बहुत सुकून होगा,
कोई टेंशन नहीं होगी कि जी सुबह जल्दी उठना है, कोई अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। और फिर वही वाली बात कि जैसे अरसलान मेरा जो हस्बैंड है वो सपोर्टिव इतना है कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी नहीं पता चली है। और यकीन करो कि अब मुझे आगे भी वो फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि दो दफा में जो हो चुकी है ना मेरे साथ, अब मैं वो सारी चीजों के ऊपर जो है ना वो मजे ले, मतलब जरूरी इसलिए कि मेरी थर्ड जो थी, थर्ड बच्चा था उसके, मैंने एक हेल्पिंग हैंड अपने पास रखा हुआ था, उसको मैंने ताकीद करी थी मुझे खिलाना पिलाना फलाना, तो फीड मैं कराती थी रात को, तो बच्चे को डकार वो दिलाती थी। डकार देना भी एक, दिलाना भी एक exactly. काम है और लाजमी लाजमी भी है, अल्लाह ना करे इससे जान भी जा सकती है। और जैसे हमारे यहाँ है ना कि ये सीधा करने के लिए सीधा लिटा दिया जाता है, दूध पिलाने के बाद करवट से लेटा है, अल्लाह ना करे कि बच्चा जब दूध फेंकता है तो उस सांस डायरेक्ट सांस की नाली में ना जाए। और बच्चे को और माँ के दरमियान मतलब कि उसका अच्छा सा वो बना के रखे, कुछ जो बच्चे हैं वो दब भी जाते हैं, जैसे हाथ आ जाए कुछ आ जाए, उसका पूरा अच्छी तरह से कॉर्ड बना के अपने साथ रखे। जी बिल्कुल, ताकि उसमें मैंने जिक्र किया था कि माशाल्लाह से सारा के घर खुशखबरी आने वाली है, और वो आई डोंट नो उसकी नेचर ऐसी उतनी अपनाइयत वाली है कि वो, मैं भी बड़ी दुआएं उसके लिए करती हूँ। तो मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी जो फलक ने अपनी बच्चे का कमरा सेट किया, मैं आपसे शेयर करती हूँ, आइए चल के देखते हैं सारा और फलक के होने वाले बच्चे का कमरा। सारा की अम्मी नहीं है लेकिन फलक ने फुल माओ वाला काम किया है ना, कि माशाल्लाह से उसकी वो तैयारी उस तरह की है जैसे अम्मियां करती हैं, खास तौर पे बेटी का अगर पहला बच्चा होने वाला होता तो वेरी गुड, फलक आप में बहुत मानता है। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की थी हेयर फॉल पे बात की, उसके बाद आपने कहा कि बच्चे को सीधा डकार दिलाकर भी करवट से सुनाएं, ऐसा ना करें कि आप उसको सीधा सुलाते हैं तो वो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि लाइक वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरी बेटी की दफ़ा मैंने यही किया, मैं बहुत डर गई थी, मैंने खबर सुनी थी कि एक बच्चा जो है वो चोक कर गया छोटा, उसके दूध जो है वो दही बच जाता है जाहिर है, तो वो उसने उसकी सांस की नाली में फंस गया, उस डर से मैं अपनी बेटी को करवट पे लेटा था। फिर 3 महीने बाद देखा कि उसका तो सर ही नहीं बना, उसका तो सर का शेप इतना बुरा बना हुआ है, फिर मैं परेशान हो गई कि यार ये क्या करे, मतलब लाइक मेरे ससुराल वाले सिंधी हैं तो उनके यहाँ तो सर बना हुआ माथा बैठा हुआ, नकुश खड़े करना ये वो मालिशें बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने उसका सर बिठाया किताब पे रख रख के बेचारी को, अच्छा बेचारी थी किताब नीचे रख देती थी, वरना नॉर्मली तो गोल वो पिलोज आते हैं लेकिन दूध पिलाने के बाद नहीं। हाँ, लेकिन अगर टाइम निकल गया है जैसे 3 महीने तक आपने बच्चे का सर ही नहीं बिठाया है, तो एक टिप ये है कि आप छोटा सा एक रलका टाइप होता है उस पर जमीन पे साफ सुथरा पोचा वोचा लगा के वो रलका डालें, और बुक किताब मुझे बताया था पतली किताब रख दें और बच्चे का सर यूं रहेगा, पिर्च की प्याली वो जो होती है छोटी प्याली है कहीं छोटी प्याली भी जो होती है वो भी अक्सर मैंने देखा है गाँव गोठों में, ख़ास तौर पर सिंध के गाँव गोठों में जो पिर्च होती है चाय की सॉसर होता है जो उसके ऊपर तेल और रुई लगा के ना इसे गोला बना के रखते थे और फ्रिज पे सर रखते हैं बच्चों का तो वो प्रॉपर गोल बनता है। गोल बनता है लेकिन आप तकिए के नीचे, मैं तो लगा तकिए के नीचे रख दिया करते थे, ये मॉडर्न है ना, मैं गांव गोटे की बात, नहीं इसके नीचे यही रखती थी इसके नीचे, मैंने भी रखी है, बहुत अच्छा आईडिया, इसके नीचे भी आप फ्रिज रख सकते हैं वो और ज्यादा जल्दी बन जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं
तुम्हारे पास भी कोई टिप है तो बता दो। नहीं, अब यही सारी चीज़ें फॉलो की हैं। आप बताइए। अच्छा, जैसे अभी ये कहा कि मैंने तो खैर बच्चों का यही किया कि वो जैसे तकिया रखते हैं, इसके नीचे सॉस्टर रख के, पेच रख के और उसमें लिटाया करते थे। लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत चलती है वो है कि चावल का तकिया बनाते हैं। चावल की तकिया जो होता है उसमें देखिए बच्चा अपना सर मूव करता है, वो गोल हो जाता है, जैसे भी मूव करेगा तकिया वैसे ही बैठ जहाँ से जाएगा। रेत का तकिया भी होता है, चावल का भी होता है। ये तो चावल का किस तरह से बनता है? अच्छा, जैसे ये आपका पिलो कवर जो होता है, जो भी एक मलमल का कपड़ा लेके जिस तकिया छोटा सा कवर बना के उसमें चावल भर दे, जो आपका टोटा होता है रुई की जगह, जैसे चावल भर दे, जैसे बच्चा है ना कुछ कहीं भी जाएगा उसका वो गोल वैसे बैलेंस रहेगा। ये भी होता है, ये सबसे अच्छा होता है। आप देखेंगे वो टोटा होगा वो कुछ अरसे बाद बिल्कुल चूरा हो चुका होगा। आप लोगों ने अपने बच्चों के सरों के नीचे क्या रखा? मैंने पहले वाले का तो क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरी सास वॉज वेरी पर्टिकुलर, उन्होंने कहा कि इसका सर बनाना है, तो उस बेचारे को फिर हम लिटा के, तो फिर वो माथे पे ऐसे मालिश होती थी बकायदा लगा के, तो ऐसे हाथों ये वाली इसके साथ, तो वो उसको वो बेचारा रोता भी था, मुझे तर्स भी आता। लेकिन फिर दूसरों वाले के दो की दफा मैंने नहीं किया। बात में करी थी फीड करने की, तो मैं सिर्फ ये आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऑफ मदर्स फीड। और चूंकि मैं जॉब करती थी, टीचिंग के प्रोफेशन में थी, और वो बहुत टफ जॉब है, सुबह सुबह जाना। और मैं जब बेटी पैदा हुई वो हुई थी मई में, अब मैं डॉक्टर के पे, मैंने कहा आप बोलते हैं कि फीडर ही नहीं दो, तो अब मैं कैसे 8 घंटे के लिए इसको छोड़ के जाऊँगी मदर्स फीड पे। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल टोटका बताया, लेकिन मुझे मैं करना पड़ा। वो ही सेट कि जो इसका दिन है वो उसको रात करे, जो रात है वो दिन करे। यानी मैं जॉब से आती थी तो फौरन उसको फीड करती थी, पूरी रात में वो मेरे साथ, मैं डबल बेड पे अकेले, मैं और जोहा होते थे, तो मैं कभी उसको राइट लेफ्ट मोड़ के उसको पूरी रात फीड करती थी। माय गॉड, बीच में कहीं सो भी जाती थी, जाग भी, वो खेलती रहती थी, बहुत पीसफुल बच्ची रही है। और सुबह में फिर वो जब मैं जाती थी स्कूल तो वो सो जाती थी, रात तो वो सोती रहती थी उमूमन, बस एंड पे अगर आँख खुल गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत कर लें 2-3 महीने, फिर जब माशाल्लाह से 3-4 महीने की हुई तो थोड़ा थोड़ा कोई पतला सा कस्टर्ड और ये वो चीज़ें शुरू की। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप की अपनी नियत होना कि बच्चे को फीडर नहीं देना और चूसनिया वूसनिया, तो इतनी बुरी चीज है ये जो सूदर्स मुंह में बच्चे के डाल देते हैं, दैट्स लाइक समथिंग वी शुड अवॉइड। जब मेरा बलाज पैदा हुआ तो मैं मॉर्निंग शो करती थी, लाइव शो के दरमियान ब्रेक के दौरान टाइम आता था, अम्मा भागती थी उधर, तो मैं बलाज को 6 महीने तक, जब तक वो खाता नहीं था तब तक मैं उसको मॉर्निंग शो पे, यहाँ हमने एक कमरा बनाया हुआ था, छोटा सा कॉट था, उसका झूला था, और हम इस तरह जो है वो 6 महीने हमारे भी गुजरे। वर्क प्लेस कितना फन बन जाती है ना कि अगर कोई आपको इतना अकोमोडेट करे। अनफॉर्चुनेटली बात स्कूल्स नहीं करते, नहीं करते। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की स्कूल अथॉरिटी को, आई सेड मैं साथ में वो गार्ड्स के कमरे थे, मैंने कहा मैं कोई आया अरेंज कर लेती हूँ, मुझे एक कमरा दे दें, मैं वो वहाँ पे उसको बच्ची को लुक आफ्टर करेगी, आई कैन नॉट लीव। नहीं, हमारा जो इदारा है ना, तभी तो ARY कहती हूँ फैमिली चैनल है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी, उनके भी बच्चे हुए, तो वो भी अपने बच्चे, ये नहीं कि एक होस्ट के लिए वो इस तरह कर रहे थे, उनके भी बच्चे जो है वो आया करते थे, वो साथ मेकअप भी होता था, कोई और संभाल लेता था, इस तरह का माहौल एक बहुत जरूरी। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उन्होंने बकायदा अपनी एक रूम बनाया होता था फीडिंग मदर्स के लिए, वहाँ आयाएं रखी होती हैं, और इस तरह देखिए इदारों को समझना चाहिए कि इतनी सी एफर्ट करने से एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, इस दफा तो मैंने सुना है कहीं, मे बी शायद अभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं हुआ, कि जी 3 महीने की जो है मेटर्नल लीव जो है वो उन एम्प्लॉयज को मिलेगी जो खवातीन, फादर को भी और फादर को भी मिलेगी। हमारे पाकिस्तानी मर्द हमारी खिदमत नहीं करेंगे इस मौके पे, भाई ये जाती है आई प्रोटेस्ट, बनता ही नहीं उनका, एटलीस्ट हमें तो मिल जाएगी ना 3 मंथ्स की, हमें तो मिलनी चाहिए भाई, लेकिन हस्बैंड को नहीं मिलनी चाहिए, मैं इल्तिजा करती हूं उनको ऑफिस भेजे। नहीं, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनको आप, वो कुछ है, वो कुछ है, आप पहले ऑब्जर्वेशन, उनकी खातिर सारी औरतें नहीं पिसनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब मिलकर एक्चुअली समरा को टिप्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये टिप्स बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको भी मिल रही हैं और आपके फायदे की बातें हो रही है। हमने कहाँ छोड़ा था प्रोग्राम, याद दिलाएं जरा, मैं तो भूल गई। गर्दन काली के होने पर आपने बता दिया था उसका टिप, है ना। आप लोगों को कभी ये प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ी है, गर्दन काली और फलाना और वो चाइयां? हाँ, जो उसके बाद डिलीवरी के कुछ अरसे बाद वो जो एक होती छिला नहाते हैं, तो जब मैंने स्क्रब किया तो बकायदा ऐसे लग रहा था जैसे कोई लेयर उतरी है, वो क्लियर हो जाती है। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब वो मैं बताऊँ पहले? कोई भी बता दे, आप भी बता दें, कोई मसला। स्ट्रेच मार्क्स का नॉर्मली जो है मोस्टली लड़कियों का, खवातीन को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बॉडी खींचती है तो आपने उसमें खारिश नहीं करनी है। कोई ऐसी खारिश बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, वुडन कॉम है उसे हल्का हल्का हल्का, जैसे उससे जैसे कॉम लेके लाइक उससे आप हल्का हल्का मतलब रगड़ना। ये सिर्फ कहने वाली बात है, जब फीलिंग आती है नहीं आप कर सकते। दूसरा है कि आपने बॉडी पे कोई ऑयल या मसाज जैसे कोई बटर या ऑयल लगा के रखना कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर हो गए हैं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने करना क्या है कि सिंपल आपने एलोवेरा जेल लेना है, एलोवेरा जेल और सफ़ेद तिल का जो तेल होता है। अच्छा। ये बहुत इफेक्टिव होता है, जितने भी स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम्स मिल रही होती है उसमें ये सफ़ेद तिल का तेल डाला हुआ होता है। ओके। ये दोनों चीज़ें मिला के रख लीजिए। अच्छा, इससे ये कि आप इसको जब भी आपको कुछ फील हो, आपने रोज़ाना आफ्टर शावर जो है ये ज़रूरी लगा लाजमी लगाना है, और खारिश हो तब भी लगाएं। और आफ्टर डिलीवरी जो बहुत ज़्यादा गहरे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये तो आप लगाएंगे, एक आलू का पीस लेके और इस पे पहले आपने उसका खूब मालिश करनी है, मसाज करना है उस जगह का जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान खारिश हो तो मरमर का कपड़ा भी कहते हैं, बिल्कुल वो भी लगा सकते। खारिश नाखूनों से नहीं करो, नाखूनों से कपड़े से करो तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और निशान नहीं आते उससे। हाँ, और जब उसके बाद आपने पहले ये आलू का जहाँ जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स है वहाँ पे ये खूब मसाज करना है, और जब इसका अर्थ निकल जाए और सूख जाए तो फिर आपने ये लगा लेना। अच्छा, एक और बहुत बड़ी ट्रबल है जो शायद उसको हम इतना सीरियस नहीं लेते, प्रेगनेंसी लाइक जब आपकी ओवर हो जाती है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद अगर माँ को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या बच्चे को ही कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए पेट की, गैसेस उनकी वजह से माँ और बच्चा दोनों तकलीफ का शिकार है, उसके लिए डॉक्टर बल्कीज आप कुछ बता रही हैं भाई, क्योंकि ये सीरियस नहीं लेते लोग इस प्रॉब्लम को और ये बहुत शदीद प्रॉब्लम है। स्ट्रेच मार्क के लिए एक बात बता दें, जी बस नाखून काट देने चाहिए। अच्छा, नेल्स जो है ना अपने हमेशा सही रखे और कोकोनट ऑयल लगा के रखे। ओके। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बचत हो जाएगी, कुछ बचत, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाखूनों से जब स्क्रैच करते हैं ना, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, एक और आइडिया है, लाइक 6 महीने से हल्की वाली जो मसाज होती है, क्योंकि आप सुस्त होते हैं, आप खुद नहीं होते, तो वो जो मसाज वाली आपने बाद के लिए रखी होती है ना, उसको आप ऑलिव ऑयल का हल्का सा मसाज कराने के लिए पहले ही बुला रहे हैं। वो आपकी बॉडी पे ऑयल लगाएगी तो फिर आपको एक तो ये स्ट्रेच मार्क्स वाला सिनेरियो नहीं होगा, इतनी खारिश नहीं होगी, और कहते हैं ऑलिव ऑयल से मसाज करने से हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, तो डिलीवरी पे आपको बहुत शदीद ज़रूरत होती है कि आपकी हड्डियाँ जो हैं उसमें ताकत हो। पी तो रहे होते हैं आप, लेकिन ऑलिव ऑयल का मसाज करने से भी हड्डियां मजबूत होने का सुना है, तो हल्के हाथ से अब अगर 6 महीने से ही मसाज वाली एक रख लें तो मतलब लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बलाज की दफा मैंने ये सारी काम किए थे, इसीलिए मैं आपको बता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जब बच्चा भी कॉलिक होता है, कॉलिक ही होता है, तो आप बच्चे को तो हींग बांधते हैं, और कॉलिक को कहते हैं फादर्स कॉलिक, यानी कि जैसे ही अब्बा घर में घुसता है बच्चा रोने लगता है। तो ये और ये लोग छुट्टी दे रहे हैं बस अब्बा को, इसीलिए टाइम कराओ, इसीलिए कहते इस बीमारी को कहते हैं फादर्स कॉलिक। तो जैसे ही बच्चा अपने अब्बा को देखता है, या तो वो शिकायतें कर रहा होगा या ना कॉलिक जो पेन उसको ज्यादातर रेड हो जाता है, बहुत बेचैन होता है। और अब्बा कहते हैं जब घर में आता हो यार इसका रोना हो गया। हींग सरसों के तेल में मिलाकर रख के उससे मसाज भी पेट की बहुत अच्छी तरीके से करें, बच्चों की भी थोड़ी सी टांगे ऊपर एक्सरसाइज लाजमी कराएं, उनको बहुत सुकून मिलेगा।
ये ना सोचें कि इसकी बदबू आपको नुकसान दे रही है, ये सोचें कि आपके बच्चे को कितना फायदा दे रही है। हींग की बदबू ना। हाँ, और हींग से एक और चीज होती है, मच्छर, मक्खी, चींटी, ये भी बच्चे के पास नहीं आती। तो कितनी चीजों से बचाएंगे, तो ये देख लीजिए। और माँ को जो बना के पीना है वो आपने 20 से 25 पुदीने के पत्ते ले लें, ठीक है। आप हाँ। जो है ना बड़ी या छोटी इलायची ले लें, हाँ। अजवाइन जरूर डालिएगा। अक्सर नॉर्मल डिलीवरी में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत औरत को होती है। आलू बुखारे और इंजीर और खजूरें बिल्कुल ना छोड़ें। हम समझते हैं कि खजूर खा लेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, इंजीर खा लेंगे वेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्रेविंग हो रही होती पिज्जा की, वो मंगा के खा लिया जाता है। डॉक्टर बिल्किस, एक और बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस जमाने में जब मेरे ये बलाज पैदा हुआ था, उस जमाने में खरबूजा, पपीता और स्ट्रॉबेरीज का जमाना था, मैंने इन तीनों चीजों को मिला के खाया। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी और पपीता तो बहुत लाजमी खाना चाहिए। सिंपल पपीता खाते हैं, जब स्टार्ट हो तब से खाना चाहिए। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्शन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। और दूसरा, बनाना विद पील मैंगो शेक बना के पिए। विद पील बहुत अच्छी है। जबकि नॉर्मली आपको दर्द है, पाइनएप्पल और पपीता जो है वो आपको वो प्रेगनेंसी में सूट नहीं करता। नहीं, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं है। ओके, फर्स्ट 3 महीने के लिए पपीता सबसे बेहतरीन है आपकी डिलीवरी को आसान करने के लिए। और जो है मैंगो शेक अगर आप बनाते हैं तो आप जो उसका शेक बनाते हैं बनाना का, तो 2 बनाना ले लें। 1 से हमेशा कब्ज होता है, 2 से जो है ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। पील का मतलब ये नहीं कि वो पका हुआ हो किसी चीज़ में, कार्बन से पका हुआ होता है। उसको अच्छी तरीके से धोने के बाद आप उसको चॉप करके उसमें एक छोटी इलायची डालें, चाहें तो 1-2 खजूरें डाल सकते हैं, ये पूरा, और 7-8 बादाम डालें, ये पूरा एक एनर्जी ड्रिंक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा। और माँ को अपने नाफ में हमेशा कैस्टर ऑयल डालना चाहिए। हाँ, मैं वही अभी कहने वाली थी कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, और इससे बड़ी आपकी डिलीवरी भी आसान हो जाएगी। जी, और जिनके बच्चे कॉलिकी होते, अच्छा कैस्टर ऑयल पिए नहीं। अच्छा, हाँ यही मैं आपसे कह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग कह रहे थे पी लो बेटा, डिलीवरी से पहले कैस्टर ऑयल का पी लो। अरे भाई, उस वक्त तो दूध नहीं पिया जा सकता, लेकिन आप कैस्टर ऑयल कैसे पी लो? अच्छा कैस्टर ऑयल, और प्लीज आप कहीं से भी कैस्टर ऑयल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर जगह मिलता है, तो प्योर ही है। तो अल्लाह ना करे उन्होंने उसकी कोई वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज डाली हो तो आपको नुकसान ना हो। अच्छा, डिलीवरी आसान करने के लिए जी, अब हम वो बड़े बुजुर्गों की उस पर नहीं जा रहे, आप लोग हमें बताएं कि क्या खाना पीना चाहिए। बस ये मैंने कहा ना कि लास्ट वीक जो होता है आपका, आपको पता है कि भाई लास्ट वीक में पपीता ज्यादा खाएं, केला ज्यादा खाएं, खजूरें ज्यादा खाएं, इंजीर ज्यादा खाएं। खजूरें और इंजीर वो खाएंगे जिनका इंसुलिन बढ़ा हुआ ना हो, और बनाना भी वो खाएंगे जिनका इंसुलिन रेज ना हो, जो अपनी उस अद्वियात पर ना हो कि आपको शुगर हो सकती है। अगर ऐसा है तो सेब, आधा सेब, और आप अमरूद खा सकते हैं। अच्छा, अमरूद जो है ना अमृत फल कहते हैं, वो भी पेट साफ रखता है। जी, अमरूद बहुत अच्छा। और आम है, अगर तो आम बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो सिर्फ गर्मियों के। अच्छा, यहाँ पे ना चिया, जैसे तुमने पालंगा डाला, पुदीने के पत्ते, छोटी इलायची मैंने डाली है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ठंडा करने के बाद 2 चम्मच दूध डाल दें। अच्छा, और अजवाइन भी डाला है। इसको आप सिप पूरा दिन पीते रहें आफ्टर डिलीवरी, ये पेट साफ डिलीवरी। अच्छा, एक बार रिपीट करें, आफ्टर डिलीवरी ये पीना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और मोटापा भी थोड़ा सा कम ना हो, जो पेट एकदम फूला होता है वो पेट की सफाई के लिए। जी, दोबारा बताइएगा क्या क्या। 20-25 पुदीने के पत्ते ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। 1-2 छोटी इलायची या बड़ी इलायची लेना है तो 1 लेके उसको कूट के इसमें डाल दीजिए। पिंच अजवाइन लीजिए, फिर इसमें तुख्मे बालंगा डालिए, और इसको ठंडा करने के बाद इसमें 2 चम्मच दूध डालना है। ओके, तो आप ये पी के देखिएगा। ये तुमने किया है कि इस तरह की कोई चीजें की है या भूल गई? नहीं, तो बतली तो कैसे हो गई बहन? खुद ही हो गई। आहले ताला लगाना पड़ता है बहन, फिर सब हो जाता है। फीड कराने के बाद ऐसा होता है कि पता नहीं क्या-क्या खा रहा हूं, ये तो ज्यादा भूख लगी। अच्छा, नाशपाती भी बहुत अच्छा, आयरन का खजाना खाने के लिए, मतलब नाशपाती, जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है ना, अगर अमरूद नहीं है, पपीता आप 8वें महीने में खा सकते हैं, नाशपाती आप आयरन डेफिशिएंट भी अगर हैं, एनेमिक भी हैं,
तो आप नाशपाती में इतना आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा भी है, उसको उबाल कर बच्चों को देना चाहिए नाशपाती में। मेरे ख्याल से जितनी भी फलों की प्यूरीज आप बना के बच्चों को दे सकें वो सबसे बेहतरीन होती है। सबसे पहले नाशपाती, पर आप मैंने सुना था केला है सबसे पहले नाशपाती, नहीं उससे भी पहले एवोकाडो खिला दो, क्योंकि एवोकाडो की फैमिली और अगर बच्चे ने खा लिया तो एवोकाडो एवोकाडो थूकेगा क्योंकि उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। अगर बच्चे को तेज बनाना है ना पटाखा ब्रेन, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो एवोकाडो जो कि यहाँ बहुत महंगा मिलता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन नाशपाती उसका ऑल्टरनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो भी सीजन पे डिपेंड करता है ना। हाँ, अब तो पूरा साल तकरीबन सारी चीजें मिल रही है। अच्छा, आपने बताना है फरा वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए क्योंकि वजन बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारी बातें हमने ऐसी कर ली जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन वेट लॉस क्योंकि वजन हम जब प्रेगनेंसी होती है तो सारी चीजें खा रहे हैं, जैसे सम्राट बड़ा मीठा खा रही हैं तो वजन भी बढ़ गया। डेफिनेटली उसके बाद फिर वेट हमें कम करना है, लेकिन हमें हेल्दी भी रहना है। ऐसे नहीं बच्चे को फीड भी करा रहे हैं कि आप कमजोर हो के खा पी नहीं रही हैं और अपना वजन कम करे जा रही हैं, तो फिर क्या होगा, बच्चे का पेट नहीं भरेगा और आप भी बीमार होंगे। बीमार होंगे तो बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। वेट हमने कम करना है, लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ। एक ऐसी ड्रिंक बना के दे रही हूँ, एक साथ बना लें और पूरा दिन आप इसको पीते रहें। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेब ले लिया, आधा सेब, एक छोटे साइज का सेब है वो मैंने ले लिया है। इसको हमने एक अच्छी सी ड्रिंक बनानी है, ठीक है। उसे मैंने ले लिया सेब को, अच्छे से वॉश करके मैंने उसमें काट लिया, और इसके साथ मैंने नारियल का पानी लिया, एक ग्लास नारियल का पानी। क्योंकि अगर आपको मैं कहूँ आप ये पानी पी ले तो आप बोलेंगे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, बाद में पीऊँगी, अभी पीऊँगी। तो अगर इसकी अच्छी सी ड्रिंक बनी हुई होगी तो फिर आप पूरे दिन में इसको आधा आधा कप पी सकते हैं। एक ग्लास मैंने ये डाल दिया, साथ ही इसमें मैंने इसमें ये लहसुन है, एक जवा है लहसुन का, उसको बारीक चॉप करके। लहसुन ऐसे नहीं चबाया जाता, लेकिन ड्रिंक में डालेंगे तो इसकी एक अलग से है कि आपका वेट जो है तेज़ी से कम होगा, लेकिन आपको वो कमज़ोर नहीं करेगा। इसके साथ ही बिल्कुल दो चुटकी अदरक का पाउडर, वो डाल के अजवाइन, ये भी मैंने दो चुटकी। इसकी हमने ड्रिंक बनानी है, इसके अंदर सेब शामिल है तो इसमें कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा तो आपने 1 teaspoon हनी डाल दें, ना कोई ज़रूरत नहीं है। इसका नारियल का जो टेस्ट है वो खुद ही इतना अच्छा है। अजवाइन का इजाफा नहीं कीजिएगा। अजवाइन जो मिकदार फरा ने बताई है वही, अगर आपने बोला कि हाँ ज़्यादा अजवाइन डाल दे, ज़रा पेट जल्दी कम हो जाए, आपका पेट खराब कर देता है अजवाइन, मोशन लग जाते हैं। गरम है ना, गरम है ना, क्या ख्याल रखना है। देखिए कॉर्नफ्लोरें पड़ती हैं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप इसे पिए, इसको बहुत ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ग्लास पूरा पी लें, इसको रख दें, हाफ हाफ कप पी सकते हैं। अच्छा। तो आप हाफ कप पिए, लेकिन पूरे दिन में एक ग्लास ख़त्म करना है। एनर्जी भी देगा साथ में आपको, आपका पेट भी भरेगा। जो आप दूसरे खाने खा रहे हैं वो थोड़ा सा कम खाएंगे, लेकिन आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। और वज़न आपका 15 दिन में तेज़ी से आपका कम होगा। जो आपका हाथ पैर में सॉइलिंग हो जाती है, मोटापा आ जाता है, आपका पेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल आता है, और आपके पैर इतने सूज रहे होते हैं, गर्दन इतनी मोटी के वो नेक नज़र ही नहीं आती, फेस और नेक एक जैसा हो जाता है, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत जल्दी ये रिजल्ट आपको। मैं वही स्वेलिंग के ऊपर ही आना चाह रही थी कि स्वेलिंग आपकी इस तरह से हो जाती है ना हाथ और पाँव की, कि उसके लिए फिर क्या करना चाहिए। तो ये बस ये एनर्जी ड्रिंक आप इसको पिए, आपको एनर्जी भी देगा, आपका वजन भी कम करेगा, पेट भी भरा रहेगा, और आप भी खुश, बच्चा भी खुश। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ। जब आप ज़ाहिर है बच्चा होता है उस वक्त आप कमज़ोर भी होते हैं, आप बहुत अक्सर ख़वातीन की कमर में दर्द हो जाता है, उनको बैठ के फीड कराना या नींद नहीं पूरी होना, तो कमर के दर्द के लिए कुछ बता सकती हैं आप, खासतौर पे उन दिनों के लिए? हाँ बिल्कुल, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है, और उसके अलावा भी यह तमाम हड्डियों की जो कमज़ोरी उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि तो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुरू हो जाता है, बेबी डिलीवर होने के बाद तक यह सिलसिला। खासतौर पर जिन लड़कियों ने एपिड्यूरल इस्तेमाल किया होता है, उस इंजेक्शन का दर्द ज्यादा दर्द होता है, बाद में आपको इतना ज्यादा फील हो रहा होता है ना। सर, मुझे मेरे ख्याल से इसी वजह से सिर्फ बैक पेन है, जस्ट बिकॉज कि मैंने दोनों दफा जो एपिड्यूरल लिया, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना उन लोगों को लगाना भी नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत माहिराना काम है ये, बड़ा बारीकी का कि एकदम से आपने जो है कमर पे करना है। अच्छा, इसमें हमने आंवला का पाउडर लेना है, आंवला के साथ हम जो है इसके अंदर हर्ड डालेंगे, बड़ी हर्ड या छोटी हर्ड जो भी है। अच्छा, इक्वली लेंगे, 1 tablespoon अगर हमने आंवला लिया तो 1 tablespoon जो है हर्ड लेंगे, कमर कस जो है गोंद इसको भी पाउडर बना के डालेंगे 1 tablespoon, ठीक है, और इसमें डालेंगे इसबगोल जो है 1 tablespoon। अच्छा, इनका बिल्कुल बारीक सफ़ू बनाना है, पाउडर बना के रखना है, बिल्कुल बारीक। जब पाउडर बन जाएगा, अब करना क्या कि सुबह उठ के आप
आप बिल्कुल बेड साइड पर रखें, हाफ टी स्पून खा के इसके ऊपर दूध पी लें। अच्छा, खाना आसान है, बहुत आराम से। अच्छा, टेस्ट बुरा नहीं होता। अच्छा, कोई बुरा नहीं होता। ज़्यादा मसला तो इसमें बादाम ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो ऐसी चीज़ है, जब आप खाना शुरू करेंगे तो कितनी कमज़ोरी होगी, या कमर का दर्द एक हफ्ते में होगा कि जी ताकत आ गई है। हाँ। और यह पूरा मतलब हमेशा खा सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं और उसके बाद भी, और जब वैसे भी किसी को कमर में दर्द है या हड्डियां बहुत कमजोर हो गई, खासकर खवातीन को। ये कमर में दर्द अगर मर्दों के, उनके लिए भी खा सकते हैं। इसमें पूछ रहे ना बच्चों के, कभी बच्चियां शिकायत करती हैं। अच्छा, ये जो तमाम चीजें, ये कमर दर्द को मतलब दर्दों को खत्म करके हड्डियों को मजबूत करता है और खासकर कमर दर्द के अंदर ये बहुत जल्दी आराम देता है। और जब ये चीजें आप खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसमें हड़ जो है और आंवला जो है, ये दोनों चीजें हर तरह के दर्द को खींच लेती हैं। अच्छा, और किसी एज में, एज का मसला नहीं है। अगर बच्चों को देखें, बच्चों को कमर में इतना दर्द होता नहीं, बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, तो उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। अच्छा जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद हम समरा की कुछ रस्म करेंगे। ब्रेक के बाद सेलिब्रेशन होगी समरा की खुशी की, तो हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माशाल्लाह हमारे यहाँ मर्द बहुत है इसमें, यहाँ पे हमारी टीम में तो फूल नहीं रखे उन्होंने वरना फूल होते हैं गोद भराई में। उनसे ले लें थोड़ी सी पत्तियाँ। क्या तो भाई ये फूल तो मार लिए हैं। हाँ, ये पूरी सेज आपने सजाई है आपके फूलों के लिए। लेकिन जो है, हम हमारे पास ये पोटलियाँ हैं और ये हम तुम्हारी गोद में भरेंगे। डॉक्टर उमेराइल सबसे पहले आए। ओके, और आप क्या लेकर आ रही हैं वो बताएं और क्या दुआ देंगी। अच्छा, सबसे पहले इसलिए मैं आ रही हूँ कि मैं मिठाई लेके आ रही हूँ। आप मिठाई मिठाई कर रही थी ना। हाँ। मुँह मीठा करें, मुँह मीठा करेंगे और सब इसमें से इनको मिठाई खिलाएंगे। कौन सी खानी है? बहुत तरीके से हमने प्लास्टिक में डाल डाल के मिठाई खाएंगी। अच्छा, मैं स्पून ले लूँ? स्पून ले लें। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारी गोद भरी रखे, तुम्हें बच्चों की खुशियाँ देखने नसीब करे। ओके, हाँ जी। तो ये जो है ना, देखो सबसे पहले इतनी माशाल्लाह खुशियाँ होती हैं और सब चीज़ें होती, तो बहुत ज़रूरी है कि नज़रे बद से अल्लाह ताला बचाए। और हम अक्सर ये करते हैं कि नज़रे बद से बचाने के लिए सुरमा लगा देते हैं। जी ओके, ये मैं किधर रखूँ गोद में? तो तुम्हारी मिठाई है, ज़रा सी जगह बनाओ ना। जगह ये सुरमा जो है ये तुम्हारे भी लगा देती हूँ मैं, ताकि तुम्हें भी नज़र ना लगे, है ना। ये कान के पीछे माशाल्लाह, और बच्चे की आंखों में लगाते हैं, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं। बच्चों की आंखों में सुरमा लगाने से कोई बड़ी नहीं होती आंखें, अम्मा बपे जाती है। गलत है ये मैं। हाँ, सुरमा आपने लगाना है ना, अगर यहाँ इधर कान के पीछे लगा दे, क्योंकि आई डोंट नो सुरमा किस तरह बना होता है आपके बच्चों की आंख में। आप इतनी सेंसिटिव आंखें होती हैं, तो मेरी तरफ से तो ना है कि आंखों में सुरमा ना लगे। मैं भी इस चीज के बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि आप जो भर भर की आंखों के अंदर लगा रहे होते हैं। पता नहीं क्यों बाकी सब करते हैं, लेकिन ज़ारे सबके अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन बाकी यू आर राइट के वो आपको नहीं पता कि वो एलर्जी कर दे, कितना पुराना बना हुआ है, किस तरह का है। एक चीज जो ये है, जो सुरमे की लॉजिक है, जो मैंने किसी से पूछी थी बहुत, अब रिसर्च करने के लिए मुझे बहुत शौक होता है पूछने। उन्होंने कहा सुरमे का पत्थर होता है वो एक चीज काटता है, काटता है। जब आप आंख में लगाते हैं तो आप क्या अपने बच्चों की बड़ा करने के लिए काटेंगे क्या? हाँ, तो सुरमा इसीलिए लॉजिक है इसके पीछे। अच्छा। आप लोग बताएं क्या कि सुरमा क्या करें यार, लगानी चाहिए? अच्छा देखिए, सुरमे का पत्थर भी ना दो तरीके का होता है ना। एक जिस तरह आपने कहा वो काटता है, एक सुरमा बनता है हर्ब से बनता है, जो सौंफ जला के बनाया जाता है। जला के जो बनाया जाता है, तो वो का जो सुरमा होता है वो आपकी आंखों के अमराज के लिए बहुत अच्छा। लेकिन आप इतना छोटा घर में बना रहे हैं ना, चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैं भी आप भी यही कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या? हम लोग भी भाभी के बच्चों को मतलब लाइक मेरी अम्मी ने मुझे तो बहुत लगाया था। हमारे यहाँ सुरमा नहीं लगाते, लेकिन वो जो चांदी की सिलाई होती है वो खाली आंख में फिराते, तो उससे आंख थोड़ी सी खुलती है। अच्छा, चांदी की सिलाई, चांदी की सिलाई खाली ठंडक, चांदी की सिलाई में एक तासीर होती है जो ठंडक हो, ठंडक हो शायद उससे। लेकिन सुरमा जो है, मेरी अम्मी ने तो भर भर के मुझे लगाया। मेरी आंखें बड़े होने की वजह मेरे अब्बू की आंखें हैं, कोई कमाल नहीं, अम्मा और अब्बा का ही कमाल है। आइए प्लीज, अब सब और भी आए ना सब। हाँ जी। अच्छा, मैं
फ्रूट्स लेके आ रही हूँ तो दुआ भी है कि फूलो फलो खूब खाओ पियो और वेट कम करो वेट नहीं बढ़ाएंगे ठीक है ये सारे फ्रूट्स खाओ थैंक यू और बच्चों को भी खिलाना बच्चे को भी खिलाना जरूरी है खुश रहो शाद रहो आबाद रहो आमीन आ जाओ भाई मिलना मैं आ जाओ अच्छा फरा आ जाओ हां चलो तुम मैं तुम क्या ला रही हो बड़ी कीमती चीज ड्राई फ्रूट्स है सारे ओए बड़ी कीमती चीज है ये तो पोटली बांध के दे देना ये है ना ये खोलना नहीं बहुत जबरदस्त बहुत बहुत बड़ी पोटली है और तुम इसे खाओ और तुम्हें ताकत की बहुत जरूरत है क्योंकि बच्चे का भी ख्याल रखना है तो इसको खूब बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के देसी घी में खाना तुम गुड बाद में पतली होती रहना फ्रूट खा के इसकी तो बेहतरीन पंजीरी बनेगी एक बहुत अच्छी मिसाल है एक बहुत अच्छी मिसाल है जब आप जहाज में बैठे होते हैं ना खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होती है तो ऑक्सीजन मास्क देते तो हमेशा कहते हैं पहले खुद पहनो फिर अपने बच्चे या किसी को पहनाओ तो पहले अपना ख्याल रखेगी माँ तो ही वो फौजी बनेगी अपने बच्चों को संभालने के लिए सही बात है लड़कों ने फूल खरीद लिए गजरे आ गए फूल आ गए कोई हरा हरा ये जरूरी था ताकि आप शाद रहें आबाद रहें दूधो नहाएं और दूधो फले ऐसी बोलते हैं ना हाँ अल्लाह ने आपको सब सारे और ले रही हो सॉरी सारे दुपट्टे ये मिस हो गए थे ये हमारे लड़कों ने फटाफट मंगवा लिए और ये भाई ये जरूरी है भाई ये बहुत दुल्हन को पहनाते हैं और उसके बाद बाद में ये माँ को पहनाए जाते हैं खुशी की आइए भाई अब कौन आएगा सबने आप रह गई नहीं जी मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खूबसूरत और खूब सीरत औलाद अता करे आपके लिए मैं लेकर आई हूँ नारिया बहुत खुश ये गुस्से में सर पे ना फेंक देना अरसला ऐसी अब नौबत नहीं आ सकती अच्छा समरा नाम सोचा है डिसाइड किया है कि नाम क्या रखना है लड़की हो तो क्या लड़का हो तो क्या सबसे कंफ्यूजन इसी बात का है कि बच्चे भी अब नई नई चीजें नाम सजेस्ट कर रहे हो कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए क्या तुम्हारे बच्चों ने सजेस्ट क्या किया उनको कार्टून कैरेक्टर हो गया उनका नाम नहीं नहीं आप अच्छा दोनों को ये था कि हमारे नामों से मिलता जुलता होना अब लेट्स सी कि क्या है अभी मैं डिस्क्लोज कर दूंगी वो मजा नहीं रहेगा नहीं दोनों के बता दो ना लड़का लड़की की परीशे ने खुद सजेस्ट किया था अनुशे अच्छा कि वो अच्छा। थोड़ा सा परीशे से मिलता जुलता है हाँ। तो वो उसने डिसाइड किया है शामीर जो कहता है वो अपने नाम से मिलता जुलता शावीर या इस तरह से वो ना मुंह से अपने वो निकालता है अल्लाह क्यूट मतलब आप तीसरे बच्चा जो है बच्चे रखेंगे ये जमाना आ गया है बाकी इस दफा बच्चों को हर चीज में जो है ना वो हिस्सेदारी चाहिए होती है कि तीसरा बेबी है तो दो बड़े बच्चे जो हैं वो वाकई एज पेरेंट भी संभाल रहे हो एग्जैक्टली तो मुझे तो वाकई अब ऐसा लगने वाला है कि मुझे और अरसलान को नहीं बच्चा संभालना पड़ेगा हमारे दोनों बच्चे संभाल लेगी और यकीन करें वो आपस में कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं ना तो मुझे इतनी हंसी आती है लिटरली कि मैं उसको दूध पिलाऊंगा शामी कहता है और मैं उसको नहलाऊंगी मैं उसके कपड़े चेंज करूंगी जी दोनों आपस में ना काम बांट रहे होते हैं कि हमने ये करना है लेकिन ये बच्चे जो है ना बड़े होके बड़ा धोखा देते हैं सिला ने भी मुझसे ये वादे किए और मुझसे कोई नहीं संभाला वाला आज सिला मैं ऑन एयर बोल रही हूँ मुझे ही संभालना उनको पता नहीं होगा ना संभालना किसको कहते हैं नहीं मुझे मुझे वादे कर करके हमें एक बेबी चाहिए और जब वादा पूरा हुआ तो उसके बाद ये जा वो जा संभाले आपकी औलाद और बेबी के जो मजे होते हैं ना वो सिर्फ तब तक के ही होते हैं जब तक वो पेट के अंदर है तो वही बहुत बहुत मुबारक तुम्हें और अल्लाह तुम्हें खैर व आफियत से फी करे बच्चा बच्चा खैरियत से रहे इस दुआ के साथ हम खुदा हाफिज करते हैं और आप लोग भी प्लीज दुआएं दें जो भी देखने वाले व्यूअर हैं थैंक यू सो मच आप सबका ARY का कि हमेशा ऐसे खुशी के मौके पे वो मुझे यहाँ पर दावत देते तीनों दफा हुआ है ना बेबी शावर तीनों दफा यहीं पे हुआ है और अब तो समझो ना मेरे बच्चे इसको अपना घर समझते निदा खाला कहते रहते हर वक्त शोज देखते रहते तो उनको यहाँ पे कुछ नया लगता ही नहीं है वो अपना घर जैसा फील करते हैं तो जी बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह तो यहाँ हम खुदाफिज करें आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आप सबका इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान खुदाफिज गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो
दिया चहचहाया।